हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 के पेपर का सॉल्यूशन और मैं शुरू कर रहा हूं पेपर वन से मैथमेटिक्स से, तो चलिए शुरू करते हैं right? और यहां आप देख सकते हैं प्लस थ्री मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप करेक्ट आंसर लेते हैं तो और अगर आपने गलती से आंसर

तो यहां पे देखो लिमिट है टी टेंस टू तो एक्स राइट और अगर मैं इसको लॉपिटल रूल यहां पे यूज करता हूं इसमें तो आई थिंक इट विल कन्वर्ट इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन तो आइए शुरू करते हैं तो यूज करें लॉपिटल रूल यहां पर तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशियट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी यहां टी वेरिएबल है तो टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट टी टेंस टू तो एक्स और टेन टी पावर नाइन एफ एक्स यहाँ कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियट कर रहे हैं यहां वेरिएबल है टी और एक्स पावर टेन एफ डिवाइडेड बाय नाइन टी पावर एट एंड दैट इज गिवन एज वन ओके और अब अगर हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म है नहीं यहां पर तो हमें क्या मिलेगा देखिए टेन दिस विल बिकम एक्स पावर नाइन एफ एक्स एफ एक्स माइनस एक्स टू दावर टेन एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय नाइन एक्स पावर एट इज इक्वल टू वन ओके इसको अगर और फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा वी विल गेट एफ डैश एक्स अगर हम एफ डैश एक्स के सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको एक्स पावर एट से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं यहां बचेगा एक्स स्क्वायर यहां बचेगा एक्स एफ डैश एक्स का वैल्यू आएगा माइनस टेन बाई एक्स एफ एक्स साथ में और बचेगा हमारे पास माइनस नाइन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे एक मिल गई है और आप देख सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है ये तो अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो आएगा इवर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टेन बाई एक्स डी एक्स वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स हो जाएगा माइनस टेन पावर में जाएगा और कैंसिल आउट वन अपॉन एक्स पावर टेन ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा हमें और अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालें तो वो क्या आएगा एफ एक्स मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई विद दिस टर्म माइनस नाइन अपॉन एक्स पावर टू डी एक्स फाइनली वॉट विल बी गेट हियर दैट इज सी एंड माइनस नाइन दिस इज वन अपॉन एक्स पावर ट्वेल्व तो उसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस हो जाएगा डिविजन में इलेवन और साथ में एक्स पावर इलेवन यहां पर तो यहां से देखो एफ एक्स जो बनेगा हमारा वो बन रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स पावर टेन प्लस नाइन बाय एलेवन एक्स नाइन बाई एलेवन डिविजन में एक्स यहां आएगा ओके नाउ टू फाइंड आउट द सी हमें गिवन एफ ऑफ वन का वैल्यू टू है तो अगर मैं एफ ऑफ वन का वैल्यू टू यहां पे पुट कर देता हूं तो टू और वन यहां उठ करेंगे सी प्लस नाइन बाय इलेवन राइट फ्रॉम हियर सी का वैल्यू आएगा टू माइनस नाइन बाय इलेवन विच इज ट्वेंटी टू माइनस नाइन दट इज थर्टीन ट्वेंटी टू माइनस नाइन इज दर्टीन बाय इलेवन सो फाइनली एफ एक्स विल बिकम थर्टीन बाय इलेवन एक्स पावर टेन प्लस नाइन बाई इलेवन एक्स विल बी देंगे मॉडरेट है टफ है तो आई थिंक ये ईजी वाली कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि ऐसे काफी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थ्रू आउट दर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिये ए स्टूडेंट एपियर फॉर अ क्विच कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन the student know the answer of some question and guess the answer for the remaining question whenever the student know the answer of a question he give the correct answer assume that the probability of a student giving the correct answer for a question given that he has guessed it is half also assume that the probability of the answer of the question being guessed given that the student answer is correct is 1 by 6 then probability that the student know the answer of a randomly chosen question is okay अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्लाई किया तो ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जेई एडवांस पी में भी देखने को मिलेगा उसी को थोड़ा लाइट वर्जन है उसको थोड़ा और आसान किया है क्योंकि जिस तरह का वो क्वेश्चन था तो उसमें था कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन थे यहां पर हमारे पास दो ही ऑप्शन रख दिए ट्रू एंड फॉल्स तो आइए देखिए क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो कुछ इस तरह से है ये एक ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन को एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है तो या तो उसको आंसर पता होगा या फिर वो गैस करेगा

विल गैस द आंसर मान लेता हूं कि इस बात की प्रॉबर्टी दूडेंट नो द आंसर इज पी दिस इज द प्रॉबर्टी ऑफ दी नो द आंसर प्रॉबर्टी दी गैस दिल बी वन माइनस पी ऑब्बियसली उसके बाद दो ही चॉइस है या तो वो जानता होगा या वो गैस करेगा तो अगर जानने की प्रॉबर्टी पी है तो गैस करने की प्रॉबर्टी हो जाएगी वन माइनस पी और दोनों ही सूरत में ऐसा हो सकता है कि उसका आंसर करेक्ट आए

ये प्रॉबलिटी होनी कितनी चाहिए तो यहां देखिए यहाँ पर इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर तो इवेंट ए कैसे कैसे हो सकती है क्या क्या तरीके हैं उसके कि या तो स्टूडेंट आंसर जानता होगा और उसके बाद उसका आंसर सही हो जाए आंसर सही होने के लिए केसेस गिन रहे हैं या तो वो जानता होगा द प्रॉबी दैट ही नो द आंसर इज पी और जानने पर आंसर सही हो जाए उसकी प्रॉबलिटी द आंसर विद प्रोबल्टी वन माइनस पी और अगर उसने गैस किया तो उसका आंसर सही हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है half, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन गिवन है और ना भी होती तो हम पता कर सकते थे तो ये हमारे आंसर इस 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 तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ ऊपर फेवरेबल में रख देंगे p half, यही है, बस अब कुछ नहीं है इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करिए

और कॉटेक्स का वैल्यू दिया हुआ है माइनस फाइव बाई रूट एलेवन और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है अगर आप ध्यान से देखें ना तो पाएंगे जैसे देखो ये वाली टर्म है साइन सिक्स एक्स साइन इलेवन एक्स बाई टू इस टर्म को अगर हम कंबाइंड कर लें इस टर्म के साथ कॉस सिक्स एक्स कॉस इलेवन एक्स बाई टू तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी टाइप टर्म हो गई सो दिस विल बिकम कॉस ए माइनस बी यानी ये बन जाएगा हमारे पास कॉस सिक्स एक्स माइनस इलेवन एक्स बाय टू राइट और सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को और इस टर्म को कंबाइंड कर लूं तो ये बनेगी देखिए साइन सिक्स एक्स कॉस इलेवन एक्स बाई टू माइनस कॉस सिक्स एक्स साइन इलेवन एक्स बाय टू तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया तो ये बन जाएगा प्लस साइन सिक्स एक्स माइनस इलेवन एक्स बाय टू और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर क्या बनेगा ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ओके एक्स जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स टू करेंगे हम तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और इसलिए कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू दोनों ही पॉजिटिव होंगे कॉस एक्स बायू को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस कॉसेक्स डिवाइडेड बाई टू तो दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉसेक्स की वैल्यू चाहिए तो कॉटेक्स मुझे गिवन है राइट तो यहां से अगर हम कॉसेक्स निकालें तो वो कितना आएगा देखिए ये फाइव बाई रूट इलेवन है तो ये हो जाना है फाइव बाई सिक्स और सेकेंड क्वाड्रेंट में है एक्स तो माइनस फाइव बाई सिक्स तो कॉस की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं देन वी गॉट वन माइनस फाइव बाई सिक्स अपॉन टू एंड प्लस रूट वन प्लस फाइव बाई सीफाई करेंगे रूट इलेवन डिवाइडेड बाई टू रूट थ्री तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा रूट इलेवन प्लस चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है ओके क्वेश्चन नंबर इज़ द तो एक हमें करना है, तो ड्रॉ कर लेते हैं हम इसका डायग्राम। आप देख सकते हैं A का 3 है, B का वैल्यू वैल्यू है, है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमें क्या पता लगता है कि ये जो पॉइंट होगा एस लाइज आउटसाइड द इलिप्स इलिप्स के बाहर की तरफ होगा ये नाउ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस टू द द ऑफ वन मीट दिलिप्स एट वन एंड ऑफ द माइनर माइनर एक्सिस एक्सिस तो minor axis के एक एंड पे अगर मैं टेंजेंट खींचू ऐसे तो ये टेंजेंट पास होती है इस पॉइंट से राइट एंड द अदर मीट द इलिप्स एट द पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट और दूसरी जो टेंजेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट टी पे मिलती है तो अगर हम मान कि ये पॉइंट टी है तो ये पॉइंट एस हो गया विच इज पी कॉमा क्यू आगे पॉजिटिव विदिटिव कोऑर्डिनेट तो ये जो पॉइंट है ये आर हो गया कोऑर्डिनेट इसके क्या हो थ्री कॉमा जीरो एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर टी ओ आर टी ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया गिवन है मुझे थ्री बाई टू फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट और ऑप्शन कि पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये बी जीरो सेटिस्फाई कर रहा है तो क्यू का वैल्यू डेफिनेटली हो जाएगा टू तो क्यू बराबर टू होगा यानी कि आंसर आएगा ए और बी में से कोई एक अब आगे बढ़ते हैं ये जो पॉइंट टी है दाइज ऑन द इलिप्स राइट तो इलिप्स पे है तो हम इसको जनरल पॉइंट मान लेते हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा वाले पैटर्न से तो ये बन जाएगा थ्री कॉस थीटा कॉमा टू साइन थीटा अब आता है कि इस ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल ओआरटी का एरिया थ्री बाय टू की बन है तो ओआरटी का एरिया देखो हो क्या जाएगा वन बाय टू इंटू बेस तो बेस हम मान लेते हैं इसको ओ को तो उसकी लेंथ थ्री इंटू हाइट हाइट हो जाएगी के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर यानी कि मोड ऑफ टू साइन थीटा हम इसको लिख लेते हैं दैट इज़ टू से मुझे थीटा की वैल्यू मिलेगी प्लस हाफ और माइनस हाफ लेकिन हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया हुआ है तो हम प्लस हाफ नहीं लेंगे तो साइन थीटा होना चाहिए माइनस हाफ यानी थीटा हो गया माइनस सिक्सटी थर्टी डिग्री ओके चलिए अब पॉइंट टी पे जो टेंजेंट है दैट इज थ्रू द पॉइंट एस तो पॉइंट टी पे अगर हम टेंजेंट लिखें तो वो कितनी आएगी एक्स बाई थ्री थीटा प्लस थीटाजल टू वन ये टेंजेंट पास होती है पॉइंट एस से जिसके कोऑर्डिनेट है पी कॉमा टू तो पी कॉमा टू मस्ट सेटिस्फाई दिस तो एक्स की जगह पी पुट कर देते हैं पी बाई थ्री कॉस्टा वाई की जगह टू पुट करूंगा तो यहां आएगा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू वन थीटा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस थर्टी डिग्री तो अगर वो वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा देखिए कॉस थर्टी विच इक्वल टू कॉस थर्टी सो रूट थ्री बाई टू सो फाइनली दिस कैन बी रिटर्न पी टू बाई रूट थ्री प्लस साइन थीटा साइन थीटा की वैल्यू माइनस थर्टी डिग्री पे कितनी होगी माइनस हाफ इज इक्वल टू वन राइट right? तो इस तरह से p बाय टू रूट थ्री बराबर हो गया थ्री बाय टू पे और p का वैल्यू अपने को मिलेगा थ्री रूट थ्री तो p का वैल्यू होगा थ्री रूट थ्री और q का वैल्यू होगा टू सो द राइट आंसर इज p का वैल्यू थ्री रूट थ्री क्यू का वैल्यू टू सो ए विल बी द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सेक्शन टू चालू होता है यहां से दिस सेक्शन कंटेन थ्री क्वेश्चन ओके ईच क्वेश्चन हैज फोर ऑप्शन ए बी सी डी वन और मोर देन वन ऑफ दीज फोर ऑप्शन इज आर करेक्ट तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं एक या एक से ज्यादा मार्किंग जो है वही पहले जैसी है कि अगर आपने सारे ऑप्शन सही करेक्ट किए हैं तो आपको प्लस फोर मार्क्स मिलेंगे राइट right? और अगर मान लीजिए कि फोर ऑप्शन करेक्ट हैं बट आपने उनमें से केवल तीन करेक्ट ऑप्शन चूज किया देन यू गॉट अगर आपने गलती से भी कोई एक गलत ऑप्शन टिक कर दिया देन यू वर्ट माइनस टू मार्क ये नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी ज्यादा है ना फिफ्टी परसेंट का नेगेटिव मार्किंग हो रहा है हर क्वेश्चन में अगर आप गलत करते हैं तो तो गलती बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं देखते हैं क्या है लेट एस इज इक्व टू ए प्लस बी रूट टू ए बी बिलोंग्स टू जेड ओके तो और बी इंटीजर है तो इसके इस पैटर्न के, इस के जितने भी नंबर होंगे दे आर ऑल लाइज इन सेट रूट टू माइनस वन की पावर एन वेर एन इज नेचुरल नंबर टी टू है रूट टू प्लस वन की पावर एन वेर एन इज नेचुरल नंबर देन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पहले ऑप्शन पे आते हैं अगर आपको जेड यूनियन टी वन यूनियन टी टू करें तो क्या ये एस का सबसेट होगा सो दैट्स करेक्ट हर हाल में होगा देखिए क्यों जेड में कौन से एलिमेंट आएंगे विच आर इंटीजर्स हियर आर जेड रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर्स हाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है जेड को लेकर के एन को लेकर के तो हमें वही लेना है तो ए बी बिलोंग्स टू जेड थिंक अबाउट कि अगर मैं बी का वैल्यू जीरो ले, ले लेता हूँ तो ये टर्म जीरो हो जाएगी ऐसे में a बिलोंग्स टू z तो यानी कि जितने भी इंटीजर हैं वो सब भी सेट s में आएंगे राइट उसके लिए b का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ऑल z अकर इन सेट s ऑल इंटीजर अकर इन सेट s t1 है √2 1 की पावर n t2 है √2 1 की पावर n इनकी पावर को अगर आप एक्सपेंड करेंगे कोई भी पावर लेकर के तो होगा क्या कुछ टर्म के पावर ओपन करने पर रूट टू की पावर कुछ टर्म में ईवन होगी कुछ टर्म में ऑड होगी जहाँ ईवन होगी वो सब ऐड हो गए इंटीजर बन जाएंगे जहाँ ऑड होगी उन सब में से रूट टू कॉमन आएगा और वो इस पैटर्न में आ जाएगा ए प्लस बी रूट टू तो डेफिनेटली टी वन टी टू के सारे एलिमेंट भी एस में आते हैं तो यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट एस में आएंगे तो ये बिल्कुल सही है अब आ जाए स्पेड टी वन इंटरसेक्शन जीरो से वन जीरो टू फोर इज इक्वल टू फाइव उसका सीधा सा मतलब यह है कि क्या T1 में कोई ऐसा एलिमेंट है जो जीरो से वन अपॉइंट टू जीरो टू फोर के बीच में आता है अगर आता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा नहीं आता तो ये सही हो जाएगा ये बहुत सिंपल है देखिए रूट टू माइनस वन अब देख सकते हैं रूट टू माइनस वन इज अ पॉजिटिव नंबर लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन तो जैसे जैसे मैं इसकी पावर इंक्रीज करूंगा इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और अगर मैं रूट टू माइनस वन की पावर एन और इसमें लिमिट लगा दो सो व्हाट डज इट मीन कि ये जीरो का अप्रोच कर सकता है एज एन टेंस टू इनफाइनाइट सो आई कैन मेक इट हाउ एवर वी वॉन्ट स्मॉल हाउ एवर वी वॉन्ट जितना भी स्मॉल हम चाहे इसको बना सकते हैं तो बिल्कुल मैं एन की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ले ही लूंगा जैसे जस जैसे हम इनको लार्ज करते जाएंगे कोई ना कोई वैल्यू ऐसे जरूर होगी जब ये टर्म इस रेंज में आ जाएगी तो इसका मतलब बी बिल्कुल गलत है

ग्रेटर देन टू टू जीरो टू फोर तो ये इस रेंज में आ जाएगा कोई ना कोई एलिमेंट तो इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो फाइव तो नहीं आएगा वो भी ये कह रहा है कि नहीं आएगा सो so, ये करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू जेड कॉस ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस बिलोंग्स टू जेड इफ एंड ऑनली बी इक्वल टू जीरो देखिए ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कह रहा है जेड यानी इंटीजर है अब ये इंटीजर तो तब होगा ना जब ये रियल हो और रियल होने के लिए पहली नेसेसिटी क्या है कि दिस शुड बी जीरो तो साइन ऑफ पाई ए प्लस बी रूट टू जो है वो जीरो होना चाहिए दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट अब यहां देखिए ए प्लस बी रूट टू जो है ना वो इेशनल नंबर होगा अगर बी जीरो नहीं है तो और इेशनल नंबर है वो पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई का मल्टीपल तो नहीं बनेगा और पाई का मल्टीपल नहीं बनेगा तो साइन जीरो नहीं होगा यानी साइन जीरो कब होगा जब ये पाई का मल्टीपल बने और ये तभी पॉसिबल है जब b का वैल्यू जीरो बी को तो जीरो होना ही पड़ेगा और अगर मैं बी को जीरो ले लूंगा तो यहां गौर करिए कॉस्ट पे ये बन जाएगा so और multiple of pi पे का वैल्यू होता प्लस माइनस वन सो फाइनली दिस विल बिकम प्लस माइनस वन इफ इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं वो कि ऐसा तभी हो सकता है जब बी इक्वल टू जीरो बिल्कुल सही है तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सी एंड अगेन देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन और रूट टू प्लस वन की पावर एन को टू जीरो टू फोर से ज्यादा बना सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स आई थिंक टू डी का क्वेश्चन है शायद लेट आर स्क्वायर डी आर क्रॉस आर

तो हम शुरू करते हैं यहां से ये यह बोलना क्या चाह रहा है देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड इन विच एक्स एंड वाई बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो है ना दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है तो उस केस की बात हो रही है ओके okay. तो आइए एक एक करके बात डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस अगर एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं है तो <coughs> uh, चलिए ऐसे देखते हैं मान लो वाई जीरो जीरो नहीं है तो क्या होगा इफ आई टेक वाई जीरो तो एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव तो ए शुड बी पॉजिटिव फिर ए पॉजिटिव होना चाहिए राइट अगर सिमिलरली अगर वाई जीरो नहीं है एक्स जीरो सी पॉजिटिव होना चाहिए और अगर एक्स वाई दोनों जीरो नहीं है

शुड भी लेस देन जीरो आपको मिलेगा और ध्यान दीजिए अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होना ही चाहिए इस केस में तो ए और सी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए अगर डी नेगेटिव है तो, okay, तो यह कंक्लूजन हमारे पास आया इस स्टेटमेंट से कि एर सी पॉजिटिव होना चाहिए और डी जो है वो निगेटिव होना चाहिए इफ एक्स एन वाई बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो आइए शुरू करते हैं पहला ऑप्शन है कि ये जो एलिमेंट है क्या ये एस को बिलोंग करेगा तो एस को बिलोंग करने के लिए टू और देखो ए का वैल्यू टू है इसको सेटिस्फाई कर रहा है सी का वैल्यू सिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये सेटिस्फाई होगा तो इन द फर्स्ट ऑप्शन बी स्क्वाज फोर्टी नाइन बाई फोर इज इट लेस देन ए सी टू इंटू सिक्स फोर को उधर ले जाओ फोर्टी नाइन लेस देन फोर्टी एट विच इज़ नॉट ट्रू तो इसलिए ए गलत है चलिए बी पे आते हैं थ्री बी वन बिलोंग्स टू एस मोड ऑफ टू इज लेस बिलोंग्स टू एस अगेन एवं माइनस ए सी को अगर मैं चेक करूं यहां पे बी ऑप्शन के लिए तो बी स्क्वायर शुड बी लेस देन ए सी यानी कि वन बाई फोर सो आई गॉट फोर बी स्क्वायर लेस देन वन सो मॉड ऑफ टू बी लेस देन वन ओके करेक्ट तो ये भी सही है आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं फॉर एनी गिवन सी बिलोंग्स टू एस ओके कोई भी एवीसी जो इसमें इसमें है मतलब फॉलो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन ओके ये देखो इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ए बी बी सी का वैल्यू जीरो ना हो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू गॉट बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू ए सी और अगर

ट डी स्क्वायर कैन नॉट बी टू ए सी प्लस ए प्लस सी प्लस वन सो बी स्क्के बराबर नहीं होगा ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा सो डी करेक्ट आंसर है आई होप इस क्वेश्चन को भी ईजी ही बोलना चाहिए यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट बिटवीन ईजी एंड मोडरेट तो ये था क्वेश्चन का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हाँ सर नमस्कार मैं नीरज कट्टानी टीम मैथामेटिक्स टीम सी एल सी तो आज हम लोग जे एडवांस 2024 के मैथमेटिक्स के पेपर वन का सॉल्यूशन देखते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर सेवन से लेकर थर्टीन तक हम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं लेट आर क्यूब डिनोट द थ्री डायमेंशनल स्पेस आर क्यूब किसको डिनोट कर रहा है थ्री डी स्पेस को है ना ठीक है सर टेक टू पॉइंट पी के कॉर्डिनेट हमको दिए हुए हैं वन कॉमा टू कॉमा थ्री और क्यू का कॉर्डिनेट दिया है हमको फोर कॉमा टू कॉमा सेवन और साथ में बोला है कि distance x, x, x y का मतलब है है ठीक सर अब बात करते हैं उन्होंने दो सेट, हुए है, सेट S और सेट, T. सेट S का मतलब क्या है x इज पॉइंट इन स्पेस सच डैट डिस्टेंस x, कॉमा पी का स्क्वायर होल माइनस डिस्टेंस का होल इक्वल टू फिफ्टी तो एस पर इंस्ट्रक्शन इन क्वेश्चन हमको क्या बोला गया है हमको बोला गया है एक्स और पी के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस एक्स और क्यू के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कितना दिया है हमको 50 ठीक है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल सा तो ये कितना हुआ ये हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस z माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस माइनस दूसरा वाला हमको दिया हुआ है एक्स और क्यू के बीच का डिस्टेंस विच मीन्स व्हाट एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस यहां लिख देता हूं जेड माइनस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टी जाहिर सी बात है सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स को तो हमारे पास एक प्लेन का इक्वेशन आएगा तो एस हमारा आएगा और टी हमारा आएगा एक्स आएगा हमारा एस आएगा हमारा 6x आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा सिक्स एक्स प्लस का एट जेड इक्वल टू और ये भी आपको मिलेगा सेम सिक्स एक्स प्लस मिलेंगे हमको इसका मिलेगा एस का होपुली वन जीरो मिलेगा फाइव तो सबसे पहली चीज जो ब्यूटीफुल चीज है वो ये है कि बोथ प्लेन्स आर पैरेलल है ना तो ये आपके दोनों कैसे हैं पैरेलल है पहली चीज

ऑप्शन एक या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं तो पहला ऑप्शन बोलता है देयर इज इज एरिया वन एंड ऑल ऑफ आर फ्रॉम एस तो ये बोलता है कि भाई क्या ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल होगा जिसमें जिसका एरिया होगा वन और जिसके सारे वर्टाइसिस किसमें होंगे एस में तो यार बहुत सीधी सी बात है बिल्कुल ऑफकोर्स हो सकता है ये देखें यहां पर एक ट्राइंगल क्या बहुत सारे ट्राइंगल हो सकते हैं जो प्लेन एस में हो और इसी के पैरल एक और है प्लेन यहाँ बना देता हूँ जो टी में है तो अनडाउटली इसमें एक ट्राइंगल हो सकता है और एक क्या बहुत सारे ट्राइंगल हो सकते हैं जिसका एरिया कितना हो वन तो पहला ऑप्शन हमारा कैसा होगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है दूसरा ऑप्शन देर आर टू डिस्टिंट पॉइंट्स एल एंड एम इन टी सच डैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम इज ऑल्सो इन टी तो ये तो बहुत ही आराम है ये तो बेसिकली डेफिनेशन हो गई हमारी है ना प्लेन की अगर ये आपके दो पॉइंट हैं एल और एम तो इन दो के बीच में एक नहीं बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ठीक है तो दूसरा ऑप्शन भी ऑब्वियसली करेक्ट है ना ऑब्वियसली करेक्ट है अब तीसरे और चौथे ऑप्शन में ध्यान देखिएगा देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर फोर्टी एट क्या भाई इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पैरीमी एट टू ऑफ वर्टाइस आर फ्रॉम एस एंड अदर टू वर्टाइस आर फ्रॉम टी तो ये बोल रहा है ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल पॉसिबल है जिसके दो वर्टाइसिस एक प्लेन एस में हो और दूसरे दो वर्टाइसिस में हो प्लेन टी में और जिसका रेक्टेंगल बनने पर उसका पेरीमीटर कितना है तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है देखें हम जरा अगर हम देखें तो एक प्लेन आपका ये हो गया और एक प्लेन आपका पैरल ये हो गया है ना तो ये आपका एस और ये आपका टी तो अंडाउटली दो पॉइंट ये हो गए दो पॉइंट ये हो गए इनको जोड़ा अपन ने ठीक है ना साहब तो टोटल पेरीमीटर बोल रहा है फोर्टी एट तो यह डिस्टेंस फिक्स है टू पैरल लाइन है ना ये तो हो गया आपका टेन टेन और बचा कितना आपका रिमेनिंग ट्वेंटी और फोर्टी एट में से माइनस करते हैं तो कितना हो गया हमारा ट्वेंटी एट तो ये आपकी फोर्टीन और ये आपकी फोर्टीन तो बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसे एक नहीं बहुत सारे रेक्टेंगल पॉसिबल है इसी को आप रोटेट करते जाओ ठीक है साहब तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है अब चौथे ऑप्शन में मैक्सिमम बच्चा स्लिपरी कर जाता है ना मैक्सिमम बच्चा क्या स्लिपरी करता है देयर इज ए स्क्वायर स्कमी फोर्टी एट टू ऑफ इट्स सी बस दोनों ऑप्शन में अंतर क्या है इसमें रेक्टेंगल और इसमें क्या है भाई स्क्वेयर तो पहला जो थॉट आता है बच्चे के वो क्या आता है भाई वो आता है सर एक तो हो गया ये और एक हो गया प्लेन ये यहां ले लेता हूं मैं एक प्लेन ये और एक प्लेन ये ठीक है तो अब बच्चा यूं सोचता है कि भाई ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट थर्ड ऑप्शन वाली अपनी प्रोसेस लगा देता है ये टेन, ये टेन, है ये ये ठीक ना तो अगर की बात करें और स्क्वायर है तो स्क्वायर में वो सोचता है तो ट्वेल, ट्वेल, ट्वेल के होने तो देखिएगा अगर ये ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो अंडाउटली बच्चा आंसर को गलत करेगा लेकिन अगर अपन यू देखें ध्यान से देखिएगा ठीक है प्लेन स्क्वायर को अगर अपन थोड़ा सा रेक्टेंगल करके देखें तो क्या प्रॉब्लम है तो अब देखिएगा जरा ये देखें ये तो हो सकता है जिसकी हर साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वेल्व 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 और ट्वेल्व क्योंकि तो ये डिस्टेंस तो आपका कितना है दस है स्क्वायर तो आपका इंक्लाइन तो हो ही सकता है अगर अपन इधर के क्रॉस सेक्शन से देखें तो ठीक है ना तो इन माई ओपिनियन फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी करेक्ट ठीक है साहब तो मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चौथे ऑप्शन को शायद गलत करा हो या छोड़ दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है पार्शियल मार्किंग थी तीन का तो काम हो ही जाएगा सही ठीक है साहब तो इसके चारों ऑप्शन सही होते हैं ए बी सी डी और बाकी कैलकुलेटिव पार्ट आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है सामने है ना चलिए फर्दर अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला आपका नॉन नेगेटिव इंटीरियर टाइप है, है ना चलो तो शुरू करते हैं इसको भी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट बिल्कुल एकदम बेसिक सा लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ठीक है तो ये बोल रहा है लेट ए इज इक्वल टू दिस मच बी इज इक्वल टू दिस मच और एक्स कमर वाई बिलोंग्स टू जेड आर सच डेट थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू लॉग ए तो देखिएगा जरा सिंपल सा कार्यक्रम है अगर मैं इसको लेता हूँ लॉग और इसको लिखा मैंने एटीन की पावर में फाइव बाई फोर और बेस में कितना है ए तो ए ऑलरेडी कितना दिया हुआ है थ्री बाय टू थ्री रूट टू तो ये लिखा मैंने लॉग और इसको मैं लिख गया कितना थ्री रूट टू का स्क्वायर और ये हो गया आपका कितना फाइव बाय फोर और बेस में कितना ए मतलब थ्री रूट टू तो ये वन जा ये टू जा और ये वाली जो शक्ल है वो यहाँ पर आ जाएगी बाय सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ लॉग तो ये कितना हो गया फाइव बाई टू और लॉग ए बेस वन तो बेसिकली पहली वाली जो इक्वेशन है वो हो गई आपकी कितनी थ्री एक्स प्लस का टू वाई और इज इक्वल टू कितना ये हो गया आपका कितना फाइव बाई टू इसी तरह से अगर अपन इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो बिल्कुल डाटा सेट है आप इस वन जीरो को लिख सकते हैं कितना आप लिख सकते हैं इसको फाइव इंटू सिक्स का क्यूब ठीक है ना और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको इसका वैल्यू भी मिल जाएगा जो कितना आता है हमारे पास ये आता है हमारे पास <coughs> माइनस का थ्री ठीक है तो अब कुछ करना नहीं है दूसरी वाली इक्वेशन कितनी हो गई टू एक्स माइनस का वाई और इक्वल टू माइनस का थ्री दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक्स और वाई का वैल्यू आता है हमारे पास और एक्स और वाई के वैल्यू को निकालने के बाद हमें फाइनली इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो सिंपल सा कैलकुलेशन है तो x का वैल्यू आ रहा है हमारे पास माइनस वन बाई टू और y का वैल्यू आ रहा है कितना टू और रखते हैं तो फाइनल आंसर कितना आया एट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ठीक है अगला देखते हैं अगला अगला भी बहुत स्मूथ क्वेश्चन है ये बोल रहा है, तो है। तो मतलब कितना हो गया ये हो गया आपका वन प्लस का ए प्लस का बी प्लस का सी इक्वल टू माइनस का नाइन ये आपका एक इक्वेशन एक हो गया ठीक है सर आगे क्या बोल रहा है सपोज आ रूट थ्री इज रूट ऑफ द इक्वेशन फोर एक्स क्यूब तो फोर एक्स क्यूब इसमें जरा देखें क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स कॉमन निकाल लिया अपन ने तो कितना हुआ ये हो गया आपका फोर एक्स स्क्वे और प्लस का थ्री ए एक्स और प्लस का टू बी और इक्वल टू जीरो तो क्लियर का टेक रूट तो इसका कितना हो गया जीरो अब जाहिर सी बात है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनती है जो कितना हुआ फोर एक्स स्क्वेयर और प्लस का थ्री ए एक्स और प्लस का टू बी इक्वल टू जीरो जिसका एक रूट हमको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है आयोटा रूट थ्री तो जाहिर सी बात है इसका दूसरा रूट कितना होगा माइनस का आयोटा रूट थ्री अब आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मजा लूट लें तो उससे क्या मिलेगा सम ऑफ रूट तो कितना हो गया जीरो तो जीरो इज इक्वल टू ये कितना भाई माइनस का थ्री ए अपॉन का फोर जिससे क्या मिला हमें ए इक्वल टू अनडाउटली जीरो और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट तो कितना हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा रूट थ्री रूट थ्री थ्री और आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस और माइनस का प्लस इक्वल टू कितना टू बी और अपॉन का फोर ठीक है तो कितना हो गया भाई ये हो गया हमारा बी इज इक्वल टू सिंपली सिक्स ठीक है भाई तो बी इज इक्वल टू हमारा सिक्स अब इन ए और बी के वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ रख देता हूँ ठीक है ना तो हमको मिल जाएगा कितना सी तो सी कम्स आउट टू बी होपफुली ये आएगा हमारा

Square, और आखिरी में सी का वैल्यू कितना आया सी का वैल्यू वैल्यून और रूट ओवर बी स्क् और माइनस का फोर ए सी तो ये कितना हो गया भाई सोलह जो चौसठ है ना सिक्सटी फोर और अपॉन का टू तो एक्स आउट टू बी कितना थ्री प्लस माइनस फाइव ठीक है तो ये कितने कितने आ गए भाई? एक आ गया माइनस का 8, और एक आ गया कितना टू ठीक है तो एक हो जाएगा प्लस का रूट टू और इधर से कितना हो जाएगा रूट टू रूट टू टू रूट टू आयोटा और एक हो जाएगा माइनस का टू रूट टू आयोटा सवाल में कोई दम नहीं बची हमें क्या निकालना है सबके मॉड्यूलस के स्क्वायर का सम तो साइड सी बात है कितना हो गया ये हो जाएगा आपका टू प्लस टू प्लस कितना हो गया टू रूट टू तो ये हो गया आपका आठ और ये भी कितना आठ तो आठ रूट आठ सोलह और चार बीस इसका आंसर सिंपल सा क्वेश्चन बीस तो ये भी बहुत स्मूथ क्वेश्चन था है ना आगे बढ़ाते बात को ये आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है ना फर्दर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी मजेदार है ठीक है ना तो ये थोड़ा सा ठीक कैटेगरी में बोल सकते हैं और यही वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब इतने स्मूथ और इजी पेपर में आपको कंपटीशन में खड़ा करते हैं ना तो इसको ध्यान से करने का है वैसे बहुत ही लिमिटेड डाटा है तो आराम से किया जा सकता है ये बोल रहा है एस एस आपका फिर से एक सेट है जिसमें इस शक्ल की बहुत सारी मेटराइसिस हैं ठीक है ना ए बी सी डी ई ये सबके सब किसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ तो क्या होंगे जीरो यहाँ क्या होंगे वन ओके डिटर्मनेंट ए वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस वन या वन ये भी अच्छी बात है और डिटर्मिनेट ए दिया हुआ है डिनोट द द वैल्यू ऑफ ऑफ ए नंबर इन तो बताना है है ऐसी कितनी सेट में पॉसिबल तो इसको भी अपन खत्म कर देते हैं ना तो ध्यान से देखें सबसे पहले डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ए इट कम्स आउट टू बी डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा आपका <coughs> ये आ जाएगा आपका डी माइनस ई डी माइनस ई और प्लस सी टाइम्स ऑफ इट कम्स आउट टू बी बी माइनस ए बी माइनस ए और इसका वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है या तो होगा वन या होगा माइनस वन ठीक है ना ये दिया हुआ है अब बड़े लिमिटेड केस काउंटिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले अपन केस वन लेते हैं ना केस वन लिया अपन ने तो केस वन वन सी कम्स आउट टू बी जीरो जब सी जीरो होगा है ना ये वाले से शुरू कर देते हैं तो बहुत सीधी सी बात है डी माइनस ई क्या होना चाहिए वन होना चाहिए या फिर माइनस वन होगा है ना भाई सीधी सी बात है अगर सी जीरो हो गया तो इसका तो कहानी खत्म हो गया तो अब बचा क्या हमारे पास हमारे पास बचता है केवल और केवल डी माइनस ई ठीक है सर तो डी माइनस -E ई बचता है तो डी माइनस ई को या तो होना पड़ेगा कितना वन चाहिए तो ये कितना वन और ये हो जाए कितना जीरो और अगर ये जीरो हो गया तो ये हो जाएगा वन तो दोनों ही पॉसिबिलिटी आ गई है वन और माइनस वन अच्छा वन मोर थिंग जब सी इक्वल टू जीरो होगा तो बी और ए का रोल ही खत्म हो गया तो बीमा ए क्या हो सकते हैं कुछ भी है ना कुछ भी हो सकते हैं ठीक है इट कम्स आउट टू बी तो अब ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है दो पॉसिबिलिटीज की हैं तो यहां से भी क्या दो में से कुछ भी और यहां से भी कितना दो में से कुछ भी तो ये एक पॉसिबिलिटी और ये दूसरी पॉसिबिलिटी तो टोटल कितना बनेगा टू इंटू टू इंटू टू तो यहां से आपको कितनी प्रकट हो जाएंगी एट यहां से प्रकट हो जाएंगी है ना अब बात करते हैं किसकी जब केस टू ले लेते हैं जब केस टू जब आपका सी कैसा होगा वन होगा उस केस में ए का वैल्यू कितना होगा भाई जब ये वन होगा तो इट कम्स आउट टू बी इसको अच्छे से लिख लेते हैं ये तो हो जाएगा वन तो डी प्लस बी है ना इसको लिख लेते हैं अपन बी प्लस डी और माइनस का ई प्लस ए ऐसे लिख के देख लो है ना तो अब थोड़ा स्मूथ हो जाएगा अब जरा देखिएगा अब ज्यादा हमारे पास बचा नहीं है ठीक है ना तो क्या क्या हो सकता है ये वन हो जाए और ये कितना हो जाए जीरो डी प्लस ए वन हो जाए और माइनस वो हो जाए कितना जीरो या फिर उल्टा कर लो ये जीरो हो जाए और ये कितना हो जाए वन ठीक है उसके बाद अगर अपन पार बात करें तो एक पॉसिबिलिटी और बनती है हमारे पास क्या क्या भाई नहीं एक काम करते हैं अपन ऐसा सोचते हैं ध्यान से देखो जरा ये लिया अपन नहीं इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं ना हाँ जी तो यू सोच लेते हैं अपन ये वन जीरो और ये ले लेते हैं अपन टू ले लेते हैं ना एटमोस्ट कितना हो सकता है वन प्लस वन टू अगर ये दोनों ये हो गए और इधर से कितना ले लेते हैं अब जरा सोचिएगा ऐसा का ऐसा केस रिवर्स भी हो सकता है कितना कितना और और इधर कितना? वन। और अब लॉ ऑफ जनरलिटी हमें बोलता है कि जितने केसेस इसमें होंगे उतने ही केसेस इसमें होंगे अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ केसेस एक्स हुए तो इसमें भी कितने होंगे एक्स तो हमें सिर्फ इसके साथ काउंटिंग करना है आठ ऑलरेडी मिल चुके हैं तो शुरू कर देते हैं अपन है ना तो कितना है भाई बी प्लस डी माइनस का ई प्लस ए ये देखिए ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं अगर अपन देखें दर, तो b प्लस डी और माइनस e का भाई प्लस तो ए देखिए जरा एक पॉसिबिलिटी ली अपन है ना तो ये देखें आप जरा ये आप ले लीजिए तो ये देखें ये 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 और ये ये चारों पॉसिबिलिटी आ गई आपकी ए, सी, की। b, d की बी डी ए है ना और सेम अगर इसके चार हैं तो दूसरे वाले रेसी प्रोकल करोगे तो उसके भी कितने आएंगे चार तो आठ यहां से मिलते हैं और पिछले वाले से कितने मिले थे आठ तो टोटल कितने हुए एट एट? वेज आ जाएंगे ठीक है सर चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेट अ ग्रुप ऑफ नाइन स्टूडेंट्स एस वन एस टू एस थ्री एंड एस नाइन इस टू बी डिवाइडेड टू फॉर्म थ्री टीम्स एक्स वाई जेड तीन टीम्स बनाना है साइजेस दिए हुए कितने टू थ्री एंड फोर के लेक्टेड फॉर टीम एक्स है ना एस वन नहीं आएगा टीम में और एस टू कैनोट बी सिलेक्टेड फॉर टीम टीम इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं एक तो क्या करेंगे अपन सिंपल काउंटिंग कर देंगे वेन एस टू इज बिलोंग टू एक्स और उल्टा कर देंगे और S, दोनों केसेस बना लेंगे और उन्हें काउंट कर लेंगे है ना और दूसरा होता है एक्सक्लूजन वो बेटर ऑप्शन है उसमें क्या करना होगा हमें टोटल में से जब x है एक्स एस बिलोंग करे x को और x2 किसको करे इसको ये कर देंगे और ऐड क्या कर देंगे जबकि दोनों रेस्पेक्टिवली ये कितना हुआ देखें आप जरा सिंपल ये तो हो गया आपका टोटल ये कितना होगा आपका टोटल है ना टोटल केसेस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन उसके बाद माइनस क्या कर दिया अपन ने ंगस टू एक्स और क्या माइनस कर दिया वेन एस टू बिलोंग्स टू दिस और एड क्या कर दिया जो दो बार काउंट हो गया ठीक है ना तो ये इसमें आपको केसेस में अगर कहीं मिसिंग या कुछ होता है तो वो नहीं बचेगी एकदम सिंपल सा ठीक है ना तो इसका आंसर है आपका कितना सिक्स सिक्स फाइव अगला देखें

बीटा माइनस वन अपॉन बीटा और कितना, lastly, one, one, कितना? है अल्फा प्लस बीटा और प्लस का वन इक्वल टू जीरो चाहे वैसे कर को कोई कैलकुलेटिव काम नहीं है अब दूसरा साथ में क्या बोला एंड द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा टू लाइज ऑन दिस प्लेन तो जाहिर सी बात है ये कितना हो गया थ्री अल्फ़ा और प्लस का थ्री बीटा और माइनस का जेड और प्लस का एल इक्वल टू जीरो इसमें से मैं देख पा रहा हूँ थ्राइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का जेड ऐसे ले लें और प्लस का एल इक्वल टू ज़ीरो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इधर से ले लें माइनस वन तो ये हो गया आपका माइनस थ्री और माइनस का जेड कितना दिया है टू तो माइनस का टू और प्लस का एल इज इक्वल टू जीरो तो अनडाउटली एल इज इक्वल टू सिंपलीफाइड अब इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता चाहिए ये आपका डिटेल कैलकुलेशन फर्दर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन फ्रॉम माय साइड क्या बोल रहा x x x. X x, है लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिनोट द प्रोबेबिलिटी डैट एक्स टेक्स वैल्यू एक्स है ना कैपिटल एक्स टेक्स वैल्यू स्मॉल एक्स सपोज डैट x comma p of x is equal to x इतना दिया हुआ है lie on a fixed straight line ठीक है ना lie on a fixed straight line इसमें जो जल्दबाजी में कुछ बच्चे जो आलसी टाइप के होते हैं वो लोग शायद माइट बी पॉसिबल y इक्वल टू के ले लें है ना लेकिन स्ट्रेट लाइन बोला ऐसा तो बोला नहीं कि भाई ओरिजिन से पास हो रही है तो ऐसे मौकों पर हम क्या लेंगे p ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू कितना k ऑफ एक्स आई और प्लस का c ऐसा ले लें हम लोग गेम इज ऑल ओवर अब साथ में क्या बोला X is equal to 0, 1, 2, 3, 4 ले सकता है, है है? ठीक ना? और सबका सम कितना तो एकदम स्मूथ सा क्वेश्चन वापस से है ना तो कितना हुआ भाई सबसे पहले तो X कितना कितना है? Zero, one, two, three, four. है? ठीक अब बात कर लेते हैं किसकी P ऑफ x की तो P ऑफ x i ले लो है ना ऐसा ले लो x i तो ये कितना हो जाएगा भाई ये हो गया आपका कितना k तो ये हो गया आपका कितना c ये हो जाएगा आपका कितना k प्लस सी ये हो जाएगा आपका टू के प्लस सी ये हो जाएगा आपका थ्री के प्लस का c और ये हो जाएगा आपका फोर के और प्लस का c ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ये तो ऑब्वियस ही बात है समेन ऑफ एक्स आई इक्वल टू कितना वन कितना तो चार और तीन सात और, और एक दस दस के और प्लस का पांच सी इक्वल टू c में Further, साथ में दिया हुआ है इफ मीन इज दिस तो मीन कितना होता है भाई समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई ये हमको दिया हुआ है फाइव बाई टू इसमें भी कोई झमेला नहीं है तो एक्स आई इन पी ऑफ एक्स आई ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एक्स आई तो ये हो गया आपका जीरो ये हो गया आपका कितना के प्लस सी ये हो जाएगा आपका कितना फोर के और प्लस का टू सी ये हो जाएगा आपका कितना नाइन के और प्लस का थ्री सी और ये हो जाएगा सिक्सटीन के और प्लस का फोर सी तो इन सबका समीक्षा फाइव बाई टू दिया हुआ है तो सोलह और नौ पच्चीस और पाँच थर्टी के और प्लस का चार और तीन सात और तीन दस प्लस का टेन सी है ना चार और तीन सात और तीन दस तो टेन सी और इज इक्वल टू ये दिया हुआ है फाइव बाई टू इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम किस किस को इसको इसको और तो हमें क्या मिल जाएगा के का वैल्यू और सी का वैल्यू ठीक है तो के का वैल्यू और सी का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये रहा आपका है ना तो के इज इक्वल टू तो हमारे पास आता है कितना वन बाय ट्वेंटी ठीक है ना और सी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास ठीक है ना कितना सी का वैल्यू इट कम्स आउट टू बी

अब बच्चों देखो यार आप इसको ना बेटा इसको आप यहाँ पे है ना तीन एंट्रीज को बच्चों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो अभी बच्चों रिपीट कर सकते हो ना आप बच्चों इसको काउंटिंग करा सकते हो आपके पास तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने आएंगे पे नंबर ऑफ बच्चों तीन फैक्टोरियल और बेटा तीन फैक्टोरियल आपके पास कॉलम वाइज तो न... तीन फैक्टोरियल बना दो बच्चों है ना तो तुम्हारे पास टोटल बच्चों मैट्रिक्स आएंगे बारह तो बेटा देख सकते हो जो पी तुम्हारे पास है वो बच्चों जाएगा आपके पास बारह पे है ना तो बोल सकता हूं आपके पास कि बच्चों पी मेरे पास कहां पे जा रहा है

ठीक है ना या बच्चों आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ से है ना बच्चों टू वन माइनस ए टू वन ए थ्री वन माइनस ए थ्री वन है ना जीरो A21, तो A21, A31, A31, जीरो बेटा ए थ्री टू और माइनस का ए थ्री टू बच्चो है इसे इन टू करके देखें तो मेरे पास सिस्टम मिल रहा है इनफारंसर ठीक है ना

तो आप एक सर्कल बच्चों बना लीजिए इसका ये सर्कल बच्चों मान लीजिए तुम्हारे पास क्या भाई एक बच्चों सर्कल है ये सर्कल मान लीजिए आप ठीक है ना ये सर्कल मैंने बच्चों मान लिया इसका सेंटर मैंने लिया जीरो एल्फा। बच्चों ये आपके पास एक बच्चों को टच कर रही है ये लाइन मेरे पास यहां पे वाई बराबर टू एक्स बच्चो ये इसकी रेडियस मेरे पास आर होगी ठीक है ना अब बच्चों आप जानते हो यार इस जीरोल्फा से बेटा इस लाइन की जो पेंडिकुल डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगी यार तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरे पास क्या है टू 2x माइनस वाई इक्व तो टू जीरो बेटा इसे डिस्टेंस अपन निकालेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस एल्फा अपॉन रूट ओवर पांच इसका मोड दैट विल बी r है ना तो बच्चों एल्फा मेरे पास यहां से क्या बनेगा अभी एल्फा बच्चों मेरे पास यहां पे आएगा रूट फाइव टाइम्स r ठीक है रूट फाइव टाइम्स बच्चों r अब आपको दे रखा है यहाँ पे एल्फा प्लस आर टू प्लस रूट तो आप यहाँ से ना? और आर को मैं लेता हूं। रूट तो क्या सर्टिस्फाई कर, कर रहा है तो एल्फा तुम्हारे पास बच्चों पांच पे है ना यहाँ पे जाएगा ठीक है तो बच्चों पी गया और आर बच्चों पे जा रहा है बोलो भाई रूट पांच बच्चों है ना तो तुम्हारे पास बोल सकते हैं बच्चों कि मेरे पास है ना जो पी है वो तो रहा चार पे और बच्चों कहाँ पे जा रहा बोलो भाई क्यों बच्चों मेरे पास रहा दो पे तो बच्चों आपके पास ये वाला बच्चों नहीं हो सकता आंसर बच्चों तुम्हारे पास सवाल का आंसर ये भी नहीं हो सकता भी, तो अब इसमें ये मैच कर रहे हैं आपके पास अब बच्चों पे पे। कर लेंगे बच्चो पास क्या एंड रेडियस आर एंड एवन लेट डायमीटर ऑफ द सर्कल ठीक है ना अच्छा बच्चों A1 जो तुम्हारे पास बेटा पॉइंट है वो कहां पे बोला है इस पे। तो देखिए एवं पांच पे जाएगा ना तो आर बच्चों कहां पे जाएगा पांच पे तो बच्चों ये वाला सवाल का आंसर भी नहीं हो सकता तो केवल बेटा सी वाला राइट आंसर है ना बच्चों सी आपके पास करेक्ट आंसर है ठीक है तो बच्चों ये जो कोडिंग वाले सवाल है ना मैट्रिक्स मैचिंग वाले है ना ये सवाल बच्चों अप्रोच के हिसाब से अपन देखें तो बेटा सबसे इजी सवाल बच्चों होते हैं यार है ना इसको अपन डायरेक्टली ऑप्शंस को थोड़ा सा हेल्प लेकर के अपन सवाल को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं नेक्स्ट सवाल मेरे पास है नेक्स्ट सवाल मेरे पास है सिक्सटीन नंबर सवाल जाओ सिक्सटीन नंबर सवाल पे जाओ ये वाला सवाल ठीक है ये बच्चों आपके पास अगेन थ्री का सवाल एक आ गया आपके पास ठीक है ना अब बच्चों इस सवाल में पास क्या देखो भाई

I, j के कैफ एक दो तीन तीन दो बच्चों एक है ना तो आप निकालेंगे इसको तो आई कैफ इंटू ये आपके पास जाएगा माइनस का चार माइनस जे कैफ ये बच्चों एक माइनस का तो माइनस का आठ प्लस केकफ इंटू दो माइनस का तो बच्चों माइनस का चार है ना अब बच्चों मेरे पास यहां पे क्या भी माइनस चार में कोमा निकाल सकता हूं तो आई कैफ ठीक है माइनस का टू जेक और बच्चों प्लस का के का बच्चों है ना ये मेरे पास बच्चों वेक्टर आएगा अब बच्चों इसका ना यूनिट वेक्टर आपको निकालना भी तो इसके डायरेक्शन तो बच्चों यहीं से पता लग जाएगा आपको बस है ना अब बच्चों ऐसे डायरेक्शन कहां दे रखिए बोलो भाई बेटा इसी में दे रखिए तो तुम्हारे पास जो ना आपके पास बच्चों जो ये वेक्टर बच्चों आएगा आपके पास है ना एन वेक्टर बेटा ये आएगा ठीक है तो एन वेक्टर बच्चों हमारे पास ये होगा पॉसिबल चॉइस बच्चों है ना तो तुम्हारे पास ही होगा चॉइस ठीक है ना तो ए तो बच्चों जाएगा पी तो जाएगा आपके पास वन पे और बेटा क्यू जाएगा तुम्हारे पास चार पे है ना अब बेटा देख बेटा पी कहां पे जा रहा पी बच्चों मेरे पास जा रहा है यहाँ पे पी जा रहा तीन पे सॉरी पी जा रहा बच्चों हमारे पास पी बच्चों हमारे पास जा रहा है इसमें अपने पास पे है ना और ये बड़ा ए जरा चार पे क्यू जरा चार पे ना तो ऐसा जो इस कहां पे है पी तीन बेटा तो ये तो नहीं हो सकता आपके पास दूसरा नहीं हो सकता ठीक है भाई पी तीन पे क्यू चार बच्चों तो क्यू चार बेटा ये भी नहीं तो ये भी नहीं हो सकता अभी तो या तो पहला या बेटा तीसरा है बच्चों ये दोनों में कॉमन ही आपके पास आ रहा अभी तो बच्चों बस केवल एस को वेरीफाई कर लीजिए आप है ना तो या तो आंसर पहला या बेटा सी आंसर है ठीक है देखना पड़ेगा इसको

दो बटा तीन का अंडर रूट है ना तो बेटा ये जाएगा यहाँ पे ये जाएगा पाँच पे जाएगा ठीक है अब पाँच वाला कौन सा बोलो भी पाँच वाला बच्चों ये तुम्हारे पास ठीक है ना तो सवाल का बेटा आंसर ये भी नहीं सकता ये भी नहीं सकता बेटा ये भी नहीं सकता सी केवल राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर ठीक है अब अगला सवाल आ जाओ नेक्स्ट सवाल नंबर सिक्स अपने पास बच्चों आ जाओ सेवेंटीन नंबर सवाल <coughs>

अब नेक्स्ट मेरे पास क्या बोलो भाई किसी को अपने वेरीफाई कर लेंगे नेक्स्ट को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जैसे मैंने बच्चों इसको वेरीफाई कर लिया ए जीरो बी जीरो C वन डी जीरो सी मेरे पास क्या बोलो भाई ये आप चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं आपका चलो इसी को वेरीफाई कर लेते हैं भाई इसको ठीक है ना कुछ ऑप्शंस में मुझे लग रहा बेटा यहाँ पे जीरो होगा नहीं यहाँ पे देखता हूँ रुको एक बार रुकी बच्चो ए यहाँ पे वन है ना वन है तो बच्चों यदि जीरो बच्चो एच एक्स मेरे पास बन जाएगा सिंपली एफ ओप एक्स और एफ एक्स मेरे पास क्या बोलो भाई एक्स मोर देन जीरो पे बन जाएगा एक्स स्क्वाइन वन बाई एक्स और एक्स बच्चों नेगेटिव बनेगा माइनस एक्स स्क् साइन वन बाई एक्स और एक्स बराबर जीरो बेटा जीरो है ना तो ये बेटा फंक्शन ऑलवेज डिफ्रेंशियबल है ठीक है ना एस बच्चों के आपके पास डिफ्रेंशियबल ऑन आर बच्चों ठीक है ये सही है कोई बात नहीं। तो तुम्हारे पास क्यू कहां पे जाएगा बच्चों क्यू जाएगा तीन पे तो देख लेते हैं अभी पी पांच पे जा रहा है ऐसी कौन सी एंट्री अवेबल हुई पी पांच बच्चों तो ये आपके पास गलत हो गया पी पांच बच्चों और क्यू कहां पे जा रहा है तीन बेटा तो ये क्यू दो पे जा रहा है तो आपके पास सी आंसर बैठा हुआ है ठीक है बच्चों पेपर में बिल्कुल है ना इस बार थोड़ा सा पेपर आसान ही साइड में था है ना और मेरे हिसाब से बच्चों आप बहुत अच्छा पेपर गया होगा आई है यू जय सी एल सी हेलो बच्चो जय सी एल सी होपफुली आपने एग्जाम में बहुत अच्छा किया होगा आपने जो पूरे साल मेहनत की थी सी एल सी के साथ मिलकर उसका डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा uh, मैं हूँ भगवत सिंह टीम फिजिक्स अपन आई का सोल्यूशन करने जा रहे हैं जो कल पेपर हुआ था एडवांस वाला पेपर का ओवरऑल पे यदि मैं एनालिसिस करूँ मैं फर्स्ट पेपर को सॉल्व करूँगा वन से लेकर नाइन या टेन तक ओवरऑल जो पेपर है वो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि इजी था फर्स्ट पेपर लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी दो तीन क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जो कि आपको इमीडिएटली शायद स्ट्राइक ना करें ओवरऑल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई तो ये पता चल रहा है कि जो बच्चा कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग था उसके लिए पेपर एकदम नॉर्मल था और जिन बच्चों के कैलकुलेशन करने की आदत नहीं थी उनके लिए थोड़ा सा पेपर लेंदी हो जाएगा तो बेसिकली ये बन, बोल सकते हैं कि ओवरऑल फर्स्ट पेपर नॉर्मल है दूसरा पेपर थोड़ा सा हार्ड साइड में जाता है ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो का वही सब कटऑफ भी वो की रहनी है खैर अपन वो सब बाद में बात करेंगे आ, अपन इस पेपर का सॉल्यूशन निकालते हैं सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन थे तो अपन करते हैं पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस है ए डायमेंशन लेस कंस्ट्रक्टेड इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ए परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस ए नॉट प्लंक कॉन्स्टेंट एच एंड स्पीड ऑफ लाइट सी मतलब क्वेश्चन में बोला गया है ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है और आपको बोला गया है कि कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्वान्टिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है उसको इनके टर्म में लिखना है तो अपन यूजली जो ट्रेंड फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं किसी का भी डायमेंशन लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे आपको ये बोला है डायमेंशन एक्स का लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे जैसे पर दिया 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 है 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 तो लेट ए। अब इन्होंने की पावर दे दिया है, अल्फा, दे अल्फा ऐसे नॉट इसके बीटा अगला है प्लान कॉन्स्टेंट इसका है गामा एंड स्पीड ऑफ लाइट है डेल्टा ठीक है और ये बोला है कि डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन लेस को यूजली क्या लिखते हैं एम जीरो टी जीरो जो भी इसके अंदर आता है सब जीरो ठेके? अब बेसिकली कुछ नहीं करना है ये चार्ज है तो इसका डायमेंशन लिख लेंगे अपन ए टी सॉरी इसका लिख लेंगे अपन ए टी अल्फा इस परमिटिविटी का इलेक्शन निकालना पड़ेगा फोर्स का फॉर्मूला अपन को पता है क्यू स्क्वायर फोर पाई एप्सोलोन नॉट आर का स्क्वायर तो ये एप्सोलोन नॉट आ गया क्यू स्क्वायर एफ आर का स्क्वायर ठीक है अब क्या करेंगे चार्ज जैसे ये है तो 80 का स्क्वायर एप का एम एल टी माइनस टू एल का स्क्वायर तो इस टाइप से अपन जैसे इनका सबका डायमेंशन पुट करेंगे ये आपको जो दे रखा है वहां रेशियो दे रखा है मतलब एन आप वन टू थ्री कुछ भी ले सकते हो तो ये रेशियो के ट्रम में तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मैंने सबका डायमेंशन पुट कर दिया है ठीक है और जब सॉल्व करते हैं तो अपन को अल्फा एन मिलता है रेशियो में गामा बीटा और डेल्टा जो है वो सेम मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट तो लोकेटेड ऑन द जेड एक्सिस करंट आई प्लस जेड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल बी डॉट एल अलॉन्ग लाइन फ्रॉम पॉइंट दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन इंटीग्रल बताना है इस क्वेश्चन करने के दो तरीके रहेंगे आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हो और आप इसमें थोड़ा सा अपना आई यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हो तो मैं दूसरा वाला मेथड बताऊंगा जिसमें अपन सिर्फ अपना आई यूज करना है तो देखो क्या करना है पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं ये अपने पास एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये अपने पास जेड एक्सिस है करंट आउटसाइड आ रहा है ऐसे ठीक है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन को एक पॉइंट यहां पर दिया है माइनस रूट थ्री ए और एक पॉइंट यहां पर दिया है जो है ए और ये जो लेवल है वो सेम दिया है मतलब आपको इस लाइन के अलोंग करना है लेट इसका पॉइंट का नाम ले लो मैं सी लिख लेता हूं इस पॉइंट का डी कर लेता हूं और ये एक लेवल पर है तो उसके अकॉर्डिंग करना है अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा अपन एक इसको एक इस टाइप से ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं और अपन ये देखते हैं कि ये जो अब अपन को पता है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि करंट बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रहेगी तो अपने तीन साइड इसका नाम P दे दिया तो जो फ्लक्स है मतलब B डॉट डी एल है अब B डॉट डी एल ये तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा तो वो तो काउंट होगा नहीं

ये गिवन है या ये बोल दो तो ये आपको रूट थ्री ए सॉरी यह गूट थ्री ए तो अपन ये एंगल फाइंड कर लेंगे अब अपन को ध्यान आना है कि टू पाई के अंदर करंट जा रहा है आई तो थीटा प्लस पाई बाई फोर में करंट कितना जाएगा तो आई डिवाइड बाई टू पाई इन टू थीटा प्लस पाई बाई फोर यहां से अपने पास आ जाएगा करंट जो इनसेट जाता है फिर अपन लिख लेंगे बी डॉट डी एल टू आपको पूरा सॉल्यूशन अगले पेज पे मिल जाएगा तो अपन को ये सॉल्व करने पर इसका आंसर आ रहा है फर्स्ट ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट वाला नेक्स्ट नेक्स्ट ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये इन्होंने

तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं बहुत प्यारा सा डायग्राम बनेगा इसका ये और दो चार्ज है अब मैं ये चार्ज Q को यहां रखता हूं तो दूसरा Q जो इक्वेरियम अच्छा इसको ग्राउंड पे रखा गया है तो एम जी और एन तो ऐसे लगेंगे अब यदि मैं दूसरा चार्ज यहां पर रखता हूं तो इसके कारण फोर्स इधर आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए एक एन इधर आ जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में अब अपन काम करते हैं इसको थोड़ा सा चार्ज को मैं यहां लेकर आता हूं डायग्राम बनाना ढंग से इसलिए मैं थोड़ा सा दूर लेकर आ गया मतलब इसको मैंने यहां से एंगल थीटा पर डिस्प्लेस कर दिया अब बेसिकली होना क्या है कि ये जो नॉर्मल है इसके कारण जो लगना है वो तो इधर ही लगेगा लेकिन ये जो यहां जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ मैं लिख सकता हूं के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई देखो ये थीटा है तो ये क्या रहेगा थीटा बाई टू ठीक है तो ये जो लेंथ है वो जाएगी टू आर थीटा बाई टू का स्क्वायर ये आ गया फोर्स अब ये जो फोर्स आ रहा है इस फोर्स के अपन दो कंपोनेंट कर सकते हैं ये थीटा बाई टू तो ये भी कितना रहेगा थीटा बाई टू तो इस साइड फोर्स आएगा वो तो आएगा एफ कॉस थीटा बाई टू और इसके परपेंडिकुलर फोर्स आएगा जो कि इसको ऑसिलेट कराएगा वो आएगा एफ साइन थीटा बाई टू ठीक है ये अपने पास फोर्स आ गया अब वो ये बोल रखा है कि एंगल बहुत छोटा है तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ थीटा बाई टू ठीक है अब अपन देखते हैं इसको ऑसिलेट किसके अबाउट करते हैं तो यदि मैं इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखूं तो टॉर्क इक्वेशन आएगी एफ थीटा बाई टू एम आर है एप का वेल्यू अपने जब इसको सब्सूट करके वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक एसएचएम का क्वेश्चन है इससे पहले वाले भी एसएचएम का तो ये भी एसएचएम का इस बार एसएचएम के अच्छे खासे क्वेश्चन दिए है एक डायपोल का क्वेश्चन भी है तो चार पांच क्वेश्चन इस बार इन्होंने तो एसएचएम के दिए ये क्वेश्चन दे रखा है ब्लॉक ऑफ मास सब्जेक्ट ऑफ द फोर्स एफ तो यहां से मैं A का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ माइनस ट्वेंटी डिवाइड माइनस फोर एक्स प्लस टू इससे एक तो अपने पास आ गया ओमेगा का वैल्यू टू ठीक है एट इक्वल टू जीरो इट इज एट रेस्ट पोजिशन एट एक्स इक्वल टू वन

0.5 के अबाउट ये इसका मेन पोजीशन है इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है मतलब x इज गुल जीरो पर नहीं कर रहा है और x इज गुल वन इसका एक्सट्रीम पोजीशन है इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हो गया एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड हो गया 0.5 नाउ फाइव नौ यदि वो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो लेट में जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं लेट ये यहां से आर डिस्टेंस पर है तो अपन आर क्या लिखेंगे अपन आर को लिख सकते हैं ए, और क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो कोस ओमेगा ओमेगा अपने पास ये दे रखा है टू इन टी ठीक है अब कुछ भी नहीं है आप टी का वैल्यू सब कर दो टी फाइव फोर सब करो जैसे आप सब करोगे आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा जीरो आर का वैल्यू जीरो मतलब वो कहां पर है अपने मेन पोजिशन मीन पोजिशन कहा है जीरो पॉइंट फाइव तो अब दो ऑप्शन ये अब आपको मोमेंटम के लिए चेक नहीं करना है बिकॉज आपको पता है कि मेन पोजिशन पर रहेगा तो मोमेंटम मैक्सिमम रहेगा जीरो पॉसिबल नहीं है तो ये ऑप्शन तो तो वैसे गया अगला चेक नहीं करना था इस पेपर में यही है कि आप कितना जल्दी किसी चीज को समझते हो जैसे इसमें मोमेंटम सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि अपन को जो डेटा मिला है उसके अंदर मोमेंटम मैगजिम होना ही होना है ठीक है तो ये हो गया फोर्थ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब ये सेक्शन बी है इसमें इसका जो फॉर्मेट है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा

अकॉर्डिंग टू is given मोमेंटम ऑफ is इज to n. अपन को पता है अपन लिखते हैं h h इन्होंने बोला है है कि इसको ऐसे लिखना है, A, n h bar, इस से. तो आंसर इसके टर्म में लाने है। तो बेसिकली अब आपको इसमें से अलग अलग derive करना है तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं देखो यहां पर आपको r, वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम और उसका रेशियो और एनर्जी के बारे में बात की है तो अपन दो इक्वेशन लिख लेंगे इक्वेशन से अपना आंसर आ जाएगा आराम से इक्वेशन कौन कौन से बनेगी एक तो फोर्स की इक्वेशन है तो फोर्स इज क्या होता है है एम वी स्क्वायर आर आर और फोर्स कितना के तो यहां से पता चल गया एम वी स्क्वायर इज टू के आर स्क्वायर स्कवाई टू ठीक है तो ये आ गई इसकी काइनेटिक का एनर्जी आप देखो पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी है तो मैं सीधा सीधा भी लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी है वो है के आर का स्क्वायर ठीक है तो अपने पास एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी अपन को यूज करनी है एम वी आर इज टू एन एच बार वो इन्होंने ठीक है इक्वेशन नंबर टू इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अपने सारे आंसर जो इसके रेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं वैल्यू और सारे आंसर आ जाएंगे ठीक है तो इसका आंसर है ए बी ए बी सी मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं है बाकी सारे ऑप्शन

Which of following statement are correct, multiple choices, आपको एक एक करके देखना पड़ेगा विनाना है कंपोजिट स्ट्रिंग मतलब आपको बोला मिनिमम फ्रिक्वेंसी ये रहेगी जब यदि इसको यहां पर आपको नोट बनाना है तो अब इसको करने का तरीका है अपन को नहीं पता कि यहाँ पर कितने लूप बनेंगे यहाँ पर कितने लूप बनेंगे तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर एम लूप बन गए और लेट इधर बन गए एन लूप ठीक है अब यदि एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ रहेंगे ये में एक ही फ्रिक्वेंसी के साथ रहेंगे तो मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी एम एफ वन नॉट मतलब पहले वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी रहेगी एन एफ टू नॉट तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको बताइए v होता है तो मैं दोनों का अलग अलग कर देता हूं एम पहले के लिए टू एल टी बाई म्यू दूसरा थोड़ा सा ध्यान से रखना एन वन बाई या आ जाएगा फोर एल क्योंकि देखो इसकी लेंथ कितनी है टू एल्व तो टूएल्व टूएल्व और इधर आ जाएगा टी डिवाइड बाई फोर म्यू ठीक है तो यहां से अपने पास जो रेशियो आ जाएगा उसमें से एक तो बनेगा एन देखो यहीं से आ रहा है ये आ गया एम और ये सॉरी एम इक्ट एन डिवाइड बाई फोर तो एम डिवाइड बाई एन का आ गया रेशियो, M तो बनेगा एक मतलब तो बनेगा एक लूप उस पर बनेंगे अगले वाले ठीक है तो यहीं से अपन को बात पता चलता है यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये बन जाएगा जब इसको चेक करेंगे तो ये बन जाएगा वहां पर एन बनेगा नहीं तो फिर ये वाला हो जाएगा ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर है यहां पर आपको ये दे रखा है देखो पढ़ लेते हैं ग्लास बीकर हैज द सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस ऑफ द रिफ्रेक्ट इंडेक्स 1.6 तो इसका आपको वन पॉइंट दे रखा है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सरफेस दे रखा है तो इन दोनों के जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नाइन सेंटीमीटर गिवन है प्लेन सर्फेस एस टू एक्ट एज मिरर ये बोला है कि ये वाला जो है वो मिरर जैसे बिहेव कर रहा है तो ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस वाला हो गया इसको लिक्विड से भरा जाता है जिसका ये एन है ना वो बोला है इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ एट द हाइट ऑफ द एच ओ इन द फिगर इज फॉर्म ऑन इट सेल्फ अब देखो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है फाइनली से, और इमेज वापिस अपने पास एफ का वैल्यू आ जाता है तो ये जो हाइट दे रखी है ये हाइट आएगी टू एफ दो तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है ठीक तो है इमेज वहीं के वही बनाने के लिए अब इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है पड़ेगा जो कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है टाइम टाइम ऑफ ऑफ लेंस लेंस और मिरर तो इसलिए अपन तो फिर क्योंकि इसका जो एन वेरिएबल है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ठीक है तो एक बार सॉरी तो मैं सबसे पहले इसका फाइंड कर लेता हूं एफ वन तो वन अपॉन एफ वन इज गोल टू म्यू माइनस वन नौ इसकी ये वाली फ्लैट सरफेस है इसलिए ये आ जाएगा इंफिनिटी माइनस ऑफ इसका ये नाइन दे रखा है तो ये आ जाएगा नाइन ठीक है और मैं इसका यूज करूं तो वन अपॉन एफ टू इज गोल टू इसका आपको म्यू दे रखा है वन पॉइंट सिक्स तो ये पॉइंट सिक्स में सीधा सीधा लिख लेता हूं अब इसके जो रेडियस आर वन है तो इसका आ गया ये नाइन माइनस इनफिनिटी ठीक है तो इन दोनों का यूज करके जब अपन अलग अलग एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर ही मिल जाएगा ये और ये डेफिनेटली इसमें आपको चारों चेक करने पड़ेंगे इसलिए थोड़ा सा एन की वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट हीट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है

डी टी नाव क्यू चाहिए इंटीग्रेट कर दो के टी डी बस ध्यान ये रखना इसको में बदलना है तो ये टू हंड्रेड और ये थ्री हंड्रेड तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है आंसर है पच्चीस हजार नेक्स्ट ये एक बहुत बढ़िया सोशन है ए डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस इज फ्री टू रोटेट ये आपको डिस्क दे रही है जो फ्री टू रोटेट है अबाउट इज वर्टिकल एक्से के अबाउट

आ, क्योंकि दोनों को जो घुमाने वाली वो एक सिंगल मोटर है वही कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है तो पहले एंगुलर मोमेंटम था नहीं तो बाद में भी जीरो रहेगा तो क्या करेंगे जीरो इजक्ट एल वन माइनस एल टू अब इसका तो सेंटर है तो थ्री सॉरी सेंट्रो मास है, तो क्या करूंगा एम आर बाई टू स्क्वायर आई ओमेगा आई कितना होता है डिस्क तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इजक्ल टू इसका ये सरकमफेरेंस है तो 3/2 m r स्क्वायर ओमेगा 1 ठीक है तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा हेलो एवरीवन माय सेल्फ प्रमोद ढाका टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर तो डियर मैं आपके साथ पेपर वन का जो आगे का पार्ट है क्वेश्चन नंबर टेन से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक का वो डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 11 12 और 13 ये सेक्शन थ्री के पार्ट है जिनमें सिक्स क्वेश्चन थे ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आंसर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर में फील करना है आपको और फुल मार्क्स में प्लस फोर और नेगेटिव मार्किंग इस वाले सेक्शन में नहीं थी तो चलिए सर अपन सीधा क्वेश्चन नंबर टेन से शुरू करते हैं टेन में बोला जा रहा है पॉइंट सोर्स एस एमिट्स अनपोलराइज्ड लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस टू पॉइंट्स ए एंड बी

दो पॉइंट है कहीं भी लोकेटेड मान लो जैसे मान लो मैंने कहा एक पॉइंट यहां लोकेटेड है और एक पॉइंट यहां लोकेटेड है दिस वन इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी अब जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है इन दोनों पर इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो आपको टू पॉइंट बी से पहले दो पोलेरो प्लेस कर दिए और दोनों पोलेरोड्स की एक्सिस के बीच में पास एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट एंगल एंगल विल बी 45 45 इज डिग्री तो ये बतलाना कि अब नए रेशियो क्या होगा आईए और आईबी का तो देखिए इस केस में आईए और आई का रेशियो टू गि की जब आप बात करोगे ना आई डैश की नई वैल्यू की आईए क्योंकि आपने कुछ सिस्टम में ए वाले सिस्टम में चेंज ही नहीं किया बी वाले में चेंज किया है तो हमने इस केस में देखो बी से जस्ट पहले यदि लाइट इंसिडेंट होती है जैसे ये पोलर डे पी वन अब ये कैसे भी रखो इधर यदि लाइट की इंटेंसिटी आई नोट है तो इधर वाले केस में जैसे आईबी थी तो यहां लाइट की इंटेंसिटी आईबी बाई टू होगी और फिर इनकी पास एक्सिस के बीच का जो एंगल है 45 डिग्री है तो यहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो आईबी बाई टू और कोस स्क्वायर फोर्टी फाइव चलेगी साथ में बोले तो वन बाई टू मतलब यहां जो इंटेंसिटी है वो होगी आई बी बाई फोर तो नई इंटेंसिटी आईबी बाई फोर आ गई अपने पास आईए अभी भी आई ए है तो आर डैश की वैल्यू नए आर की जो वैल्यू है that value is IA upon IB और IA के पर, IA के प्लेस प्लेस पर पर तो आप आई ए पुट करोगे, और IB के पर आप करोगे IB by 4, ये चला गया 4 IA by IB, मतलब टाइम्स होगी इनिशियल वैल्यू की द इनिशियल वैल्यू वॉज टू सो दिस वैल्यू इज एट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन ए सोर्स एस ऑफ साउंड टू फोर्टी हर्ट्ज़

Yeah, so, so, आपसे क्वेश्चन में दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज टू हंड्रेड चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द टू लार्ज आइडेंटिकल वॉटर टैंक्स वन एंड टू kept on the top of a building of height capital h are filled with water up to a height h in each tank both the tanks contain an ideal identical hole of small radius on their sides close to their bottom a pipe of the same internal radius as that of the hole is connected to tank 2 and the pipe ends on the ground level when the water flows from tank 1 and 2 through the holes the time taken empty tanks are t1 and t2 respectively एच की वैल्यू गिवन है ना रेशियो ऑफ टी वन एंड टी टू पूछा है देखिए सिचुएशन एक्चुअली में कुछ ऐसी है so, पहले वाले केस में तो यहां पर टैंक प्लेस्ड है ये यह यहां पर प्लेस्ड है बिल्डिंग पे बिल्डिंग की हाइट है कैपिटल एच और इसमें हमने टैंक में लिक्विड फिल कर दिया स्मॉल एच हाइट तक और यहां बना दिया एक होल यहां से जो लिक्विड पहले वाले केस में जो इमर्ज होगा

ये वाली इक्वेशन अपने पास निकल के आएगी एरिया इन टू में डीवाई जितना डिक्रीमेंट हुआ है तो हाइट दूसरे वाले केस में क्या हमने यहां पर एक पाइप कनेक्ट कर दिया ठीक है और यदि किसी टाइम ये हाइट वाई है तो यहां पर आउट गोइंग रूट टू जी एच प्लस वाई सीधी इक्वेशन लगेगी तो जब आप वैल्यू पुट कर रहे थे एरिया इंटू वेलाज रूट टू जी अंडर रूट कैपिटल एच प्लस ए बाई स्टू एच बाई जी अब आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में टी वन और टी टू में यदि रेशियो लिया जाएगा करेक्ट आंसर इज थ्री चलिए सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करते हैं

उसकी वेलोसिटी देखिए यदि रोड स्ट्रिंग के साथ रोटेट कर रही है और सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी 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 है ओमेगा ओमेगा तो तो रोड की वेलोसिटी हो गए, की वेलोसिटी, ओमेगा थ्री बाई टू। तो सेंटर सेंटर पी, पी दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब आप एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो नहीं है इंपल्सिव फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल तो ये जो एंगुलर इंपल्स है p लेनियर इंपल्स इनटू द सेपरेशन सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है सेंटर 3l/2 पर है ऐसी सिचुएशन है तो सर्किल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो x 3l/2 होगी तो p into (x 3l/2) i ओमेगा i की वैल्यू ओमेगा इन दोनों को जब अपन सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके तो यहां से x की वैल्यू जो है दैट कम्स एज l/18 और अपने से क्वेश्चन में बोला गया है इज़ so तो में चार सिंगल, सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है जिनमें मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है और आपको मैचिंग करनी है इस केस में नेगेटिव मार्क्स जो है वो वन है और फुल मार्क्स जो है वो पर क्वेश्चन थ्री है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं फोर्टीन में एक वन मोल मोनोएटोमिक आइडियल गैस है जो साइक्लिक प्रोसेस जे के एल एम जे से क्रॉस कर रही है और इसका पीटी डायग्राम शोन है लिस्ट वन की क्वांटिटीज को लिस्ट टू की क्वांटिटीज के साथ मैच करवाना है देखिए सबसे पहले वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस पूछा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पूछा गया है

ये प्रेशर है पी नोट ये वाला प्रेशर है टू पी नोट ये वाला टेम्परेचर है टी नोट ये वाला टेम्परेचर है थ्री टी नोट जे के एल एम जे के एल एम तो जे से के जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है आइसोबारिक में क्यू की वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी होती है डेल्टा यू की वैल्यू एनसीबी डेल्टा टी होती है और डब्ल्यू

फिर जब अपन प्रोसेस एल से एम की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस एल टू एम में दिस इज एन आइसो बारिकोसेस एन आइसो बारिकाली वैल्यूजी थ्री और माइनस टू तो जब आप एम से जे की बात करेंगे तो एम से जे में आइसोबारिक आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू इज जीरो और और क्यू की मैचिंग आप कर सकते हैं डब्ल्यू और क्यू एक्चुअली में एनआर टी Log, P upon P final. वाले केस में प्रेशर तो में तो no, क्वेश्चन को तो करेक्ट मैचिंग जो है वो के आएगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फोर आइडेंटिकल थे स बिटवीन दैम इज डी एस इन द फिगर और सी एफ साइल नोट ए स्क्टर डी एफ नोट इज ऑफ फ्री स्पेस ठीक है और मुझे एक्चुअली में इनके बेसिस पर कैपेसिटेंस uh, कैलकुलेट करना है डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने यूज किए हैं कि जैसे S1 S2 को कनेक्ट किया S1 S3 को कनेक्ट किया S2 S4 की शोर्टिंग कर दी S1 S3 की शोटिंग कर दी तो इसके बेसिस पर सबसे पहले अपन S1 S4 को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस एस वन एंड एस फोर विद एस टू एस थ्री आर इज नॉट कनेक्टेड इज तो एस वन एस फोर को कनेक्ट करेंगे देखिए चार प्लेट्स हैं चार प्लेट्स हैं वन टू थ्री फोर एंड दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी तो इस वाले केस में इधर अपन प्लस ले लें इधर माइनस ले लें ले, तो इधर पोलराइजेशन माइनस प्लस माइनस प्लस अब ये तीन कैपेसिटर बन गए ऑल ऑल ऑफ़ कैपेसिटर्स आर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इक्वल इक्वल सी नोट की वैल्यू डी के दे रखी है अपने को सी नोट इज तो सी नोट बाई थ्री की बात करेंगे तो पॉइंट पी के अकॉर्डिंग जब आप मैचिंग की बात करेंगे तो पी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है थ्री फिर जब आप क्यू के लिए बात कर रहे हैं एस वन और एस फोर एस टू एंड एस थ्री की सोर्टिंग कर दी देखो तो जैसे ही आपने एस टू एंड एस थ्री की सोर्टिंग की इस क्वेश्चन में चलिए दोबारा से बना लेते हैं ये शोर्टिंग करते ये प्लस ये माँणस, ये माइनस माइनस और ये प्लस ये कॉम्बिनेशन बचेगा ये तो सेम इक्वल पोटेंशियल पर है तो इन दोनों की फेसिंग पर कोई चार्ज नहीं आएगा इस वाले केस में नहीं आएगा तो एक कैपेसिटर ये रहा एक कैपेसिटर ये रहा ये S1 से S2, S2 S3 तो सेम है और S3 से S4 तो दो कैपेसिटर्स जो है वो आपके साथ सीरीज में हो गए यदि दो कैपेसिटर्स सीरीज में हो गए सी नोट और सी देन सी इक्वल विल बी सी नोट डिवाइडेड बाई टू तो इस वाले केस में आंसर इज क्यू वाले केस में सी नोट बाई टू दैट सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट मोएच

थोड़ा सा डायग्राम में यहां पर मिस्टेक हुई है यहां पर ये वाला चार्ज दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस ठीक है <coughs> यहां पर देखिए ये दोनों कैपेसिटर जो है ना एक्चुअली में ये दोनों S4 से S2 uh, S3 से S2 और S3 से S4 S2 और S4 को शॉर्ट किया हुआ है मतलब दोनों जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है तो ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं सी नोट और सी वन इज टू सी नोट दिस वन इज सी नोट सो सी कम्स एज टू सी नोट बाई थ्री फोर्थ वाले में जब आप हाँ बात करेंगे तो हमें इन द देश एस वन एंड एस टू के बीच कैलकुलेट करना है एस वन एस थ्री को सोर्ट किया और एस टू एस फोर को शोर्ट किया है डायग्राम की बात नहीं करते इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी है वन टू थ्री फोर एस वन एस टू के बीच में बैटरी लगाई इन दोनों को शॉर्ट किया हुआ है और इन दोनों को शॉर्ट किया हुआ है यदि यह वाली सिचुएशन है तो दिस विल बी प्लस दिस विल ऑल्सो माइनस क्योंकि सारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दिस विल बी प्लस प्लस अब जब आप देखेंगे ना देखिए यह कैपेसिटर बन रहा है एक कैपेसिटर बन रहा है और एक ये कैपेसिटर बन, बन रहा है ये भी प्लस से माइनस प्लस से माइनस और प्लस से माइनस तो तीनों ही कैपेसिटर्स जो है वो सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड है तो यदि सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड है तो इन दिस केस द दी इक्वल सिचुएशन की जब अपन बात करेंगे तो इसमें जो करेक्ट मैच आ रहा है वो सी के रिगार्डिंग आ रहा है मतलब पी में थ्री क्यू में टू दिस वन इज टू सी नोट बाई थ्री आर में फोर एंड एस में थ्री सी नोट वन इज ए करेक्ट आंसर चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए 16 That a light ray is incident on the surface of a sphere of refractive index n at an angle of incidence theta note. The ray partially refracts into the sphere with an angle phi note and then partially reflects, partly reflects from the back surface. The reflected ray then emerges out of the sphere after a partial reflection. The total angle of deviation of the emergent ray with respect to the incident ray is not a, this one is alpha.

ये वाला एंगल और ये वाला और ये सारे क्योंकि यार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दीज एंगल विल बी सेम यहां जब आप बात करेंगे तो दिस विल बी दिस एंगल्स विल बी ऑल्सो की बात करेंगे देखिए यहां पर जो इज थीटा नोट माइनस फाइव नोट फिर यहां पर डेविएशन जो होगा दैट इज वन एटी माइनस टू फाइव नोट फिर जब आप यहां डेविएशन की बात करेंगे तो इस सिस्टम का जो टोटल डेविएशन आ रहा है दैट इज टू थीटानोट माइनस में फोर फाइव नोट प्लस वन एट्टी डिग्री दिस इज द टोटल डेविएशन अब इसके रिगार्डिंग हमने कुछ बातें की है तो सबसे पहले यह बोला गया है ऑप्शन पी में एन टू है और अल्फा वन एट्टी डिग्री है यदि एन टू अल्फा वन एट्टी है टोटल डेविएशन को यदि आप वन एट्टी के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से आपके पास थीटा थीटानोट कम से ऑप्शन और two, और पी क्यू में दोनों में सेम ही बात है देखिए दोनों में ना, अल्फा वन एटी लेकर बात की गई एन के अलग अलग वैल्यूज है तो तो जब आप इसे इस की तरह बात करेंगे थीटा नोट इस टू, एन नोट। तो यहां से आपके पास रिलेशन निकल के आ रहा है देखिए साइन नोट को तो मैंने लिख दिया थीटा नोट टू साइन थीटानोट बाई टू कोई टू दिस इज एन साइन पाई नोट के प्लेस पर थीटा नोट बाई पुट, टू पुट किया तो कोस थीटा नोट बाई टू की वैल्यू एन बाई टू आ रही है अब ऑप्शन टू में एन की प्लेस पर टू पुट करना है टू बाई टू इज वन कोस थीटा नोट बाई टू कम से वन तो आपका थीटा नोट आ गया जीरो डिग्री थीटा नोट जीरो डिग्री आ गया दूसरा केस यदि ऑप्शन क्यू के लिए बात करोगे तो एन की वैल्यू हमने रूट ली जैसे ही आप रूट थ्री बाई टू पुट तो करेंगे तो दूसरा यदि लाइट रे ऐसे रही है और ऐसे वापस आएगी तो वन एट्टी का डेविएशन होगा ही होगा तो ये वाला जो केस है मतलब जीरो डिग्री वाला दोनों में इंक्लूडेड है तो ऑप्शन पी जो है उसमें तो आंसर है जीरो और ऑप्शन क्यू जो है

तो ऑप्शन एस में बोला गया N 2 है एन रूट टू है थीटा नोट फोर्टी फाइव है तो अल्फा की वैल्यू पूछिए देखिए यदि एन रूट टू है और थीटा नोट फोर्टी फाइव है मतलब यहां अप्लाई करें तो वन इंटू साइन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू एन साइन फाइव नोट यहां से आपका फाइन जो आ रहा है दैट इज वन बाई साइन फाइव नोट इज वन बाई टून फाइन इज थर्टी और जैसे ही आप फाइन इसके अंदर थर्टी पुट करेंगे ठीक बात. तो इसके according, जो है, है है जिसमें P में में कर कर रहा रहा सिक्सटी और जीरो आर में वन मैच कर रहा है थर्टी और जीरो और फोर्थ और एस वाला जो केस है उसमें वन फिफ्टी मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की बात करते हैं काफी आसान क्वेश्चन है इस पेपर का सर्किट शोन इन द फिगर कंटेंस एन इंडक्टर एल ए कैपेसिटर दोनों ओपन है एंड इज नो चार्ज ऑनपेसिटर एट इंस्टेंटन इज केवन इज क्लोज एंड इमीडिएटली आफ्टर द करंट इन द रजिस्टर इसमें करंट आईवन देखो इस सर्किट में जैसे ही क्लोज करते हैं क्लोज करते ही कोई करंट फ्लो नहीं करता तो सर्किट करंट सर्किट में करंट आई वन की वैल्यू होगी जीरो टाइम द करंट अटेंस अटेंटी स्टेट वैल्यू आई टू और स्टडी स्टेट वैल्यू करंट आई टू की वैल्यू जो होगी दैट विल बी ट्वेंटी बाई फाइव दट इज फोर एमपियर अच्छा देयर आफ्टर के टू इज क्लोज के टू को क्लोज किया साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियन इज ओपन K1 को साथ में ओपन कर दिया तो ये एलसी सर्किट बन गया तो ये ओसिलेट करता है यदि एलसी सर्किट ओसिलेट करेगा तो उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल फोर सॉरी टू इंटू टेन की पार थ्री दैट कम्स एज टू इंटू टेन की पार थ्री रेडियन पर सेकेंड तो यहां से यदि इसे किलो रेडियन में पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन की, की लैंग्वेज में था क्वेश्चन की लैंग्वेज जो थी उसमें ओमेगा नोट की वैल्यू किलो रेडियन पर सेकंड में तो किलो रेडियन पर सेकंड में ओमेगा नोट की वैल्यू जो है कम्स एस टू, अच्छा, आफ्टर वैल्यू ऑफ वी नोट पूछा गया तो देखो जब एल सी सर्किट में ऑसिलेशन होता है तो एल आई टू स्क्वायर इंडक्टर की जो कंप्लीट एनर्जी है जब ऑसिलेशन होता है

तो उसके अकॉर्डिंग मैचिंग देखें तो पी में मैच करेगा वन क्यू में मैच करेगा थ्री आर में मैच करेगा टू एंड एस में मैच करेगा फाइव तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस मैचिंग ओके डियर सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस डिस्कशन गुड बाय हेलो स्टूडेंट्स हम जई 2024 पेपर को डिस्कस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट में जो केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे उसमें पेपर फर्स्ट को सोल्व करेंगे और मैं फिजिकल केमिस्ट्री आपके सामने डिस्कस करूंगा इस सेक्शन ए दिया है सेक्शन ए में ट्वेल्व क्वेश्चन है और फोर ऑप्शन करेक्ट से सिंगल करेक्ट अपने को डिस्कस कर रहेन ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एट थ्री हंड्रेड कैलविन विच एक्ट टू एटीएम एट द सेम टेम्परेचर एटी ग्राम ऑफ अनोदर आइडियल गैस इज एडेड टू इट प्रेशर बिकम 6 एटीएम द रेशियो ऑफ रून रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्स एंड आई दी स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन से है हमें पीवी बराबर एनआरटी इस पे अप्लाई करना है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना है और एक बार जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो प्रेशर अपने पास 2 एटीएम एग्जर्ट हो रहा है वॉल्यूम वी रहेगा एन की वैल्यू कितनी आएगी 10 अपॉन एमएक्स एक्स गैस का मोलर मास एम एक्स हो गया आर ये हो गया टी थ्री हंड्रेड हो गया डी स्टूडेंट सेम टाइप में क्वेश्चंस में अपने पास सिक्स एटीएम हो गया तो ये अपने पास इस बार मोल जो हो जाएंगे टेन डिवाइडेड बाई एम एक्स प्लस एटी डिवाइडेड बाई एटी डिवाइडेड बाई एम वाई हो जाएगा और इनटू आर इंटू थ्री हंड्रेड डी स्टूडेंट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वी आर एम एस टू होती है रूट आर टी अपॉन एम डब्ल्यू हम मोलर मास का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स अपने पास पी वी इक्वल टू एन आर टी पहले इसके लिए अप्लाई किया फिर इसके लिए अप्लाई किया रेशियो आ गया वन रेशियो फोर तो अपने पास यह आ जाएगा टू रेशियो फोर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर मनीष डुडी आज अपन डिस्कस करेंगे आईटी एडवांस में आए हुए इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि इसमें पूछा गया है कि एच को अपन हीट करते हैं तो कैस में वो डिस्प्रोकनेशन होता है तो अपन बात करते हैं एच है एच को हीट करते हैं तो ये किस में जाएगा बेटा ये एन की लाइन दी हुई है एन के नाइट्रोजन फैमिली में दी हुई है ये किस में जाएगा एच प्लस एन में जाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस थ्री यहाँ पर कितनी है प्लस फाइव और यहाँ पर कितनी है प्लस टू यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ठीक है और साथ में क्या बन जाएगा अपने पास वाटर मोलिकुल रहेगा एस थ्री प्लस के फॉर्म में ठीक है तो यहां पर अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हेलो दोस्तों माय सेल पारसी देवीवाल टीम केमिस्ट्री सी एल सी सीकर आज हम जेई एडवांस e. के पेपर, पेपर के पेपर फर्स्ट के ऑर्गेनिक पार्ट के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे पेपर का अगर क्राइटेरिया देखा जाए लास्ट ईयर से तो लास्ट ईयर से पेपर ईजी है केमिस्ट्री का पार्ट चाहे वो इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो फिजिकल हो ओवरऑल जहां तक मैंने एनालाइज किया है पेपर लास्ट ईयर के कंपेटिवली में ईजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाने के चांस पूरे हैं मैं पेपर फर्स्ट में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करूंगा तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्वेश्चन नंबर थर्ड है

हम पेप्टाइड लिंकेज जनरेट भी कर सकते हैं तो आपको अप्रोप्रिएट इसमें से स्ट्रक्चर इस चूज करनी है कि कौन सा होगा तो अगर हम इस सोल्यूशन को देखें तो देखो नाम जो मेरे दिया हुआ है वो एस्पार्टिल दिया हुआ है इसका मतलब एस्पार्टिक एसिड से पार्ट आया है फिनाइल एनालिन दिया हुआ है इसका मतलब फिनाइल एलानिन से आया है तो सबसे पहले मैंने यहां पे यहां पे लिया है एस्पार्टिक एसिड जो स्ट्रक्चर दी हुई है ये अबाउट द अबाउट द प्लेन पार्ट है और इधर मैंने लिया है ये लिया है फिनाइल एलानिन ये भी अबाउट है तो फिनाइल एलानिन बाद में आएगा एस्पार्टिल पहले आएगा तो एस्पार्टिल का ओ एच ग्रुप क्योंकि ये वाला एन टर्मिनल होता है हमें पता है और इधर से इसका एच एच टू यहां बाहर होगा तो पेप्टाइड मोन फॉर्मेशन होगा और साथ में मैंने क्या है यहां पे एस्ट्रीफिकेशन करूंगा मतलब इस एच को हटा के मैं क्या लगा दूंगा सी एस ट्री लगा दूंगा ठीक है देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बनती है ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी और यहां ये सीएस थ्री लग जाएगा अब जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है प्लेन तो तो वाला है, वो हो जाएगा और हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली यहां डबल बोन्ड ओ है ऑक्सीजन है और ये है तो ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी आपके पास एसपार्ट की मतलब अगर हम थोड़ा सा भी देखें तो इसको ध्यान रखें आप ऐसा ये बना हमने

तो इसमें कह रहा है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच इच कॉम्प्लेक्स इन सेट फर्स्ट शो जोमेट्रिकल आइसोमिजियम फर्स्ट शो क्या करना चाहिए जोमेट्रिकल आइसोमिजन एंड टू नंबर कॉम्प्लेक्स है वो क्या सेट सेकंड में क्या करना चाहिए आयोनाइेशन आइसोम्यम शो करनी चाहिए ठीक है फर्स्ट में देखते हैं इसमें बेटा जी एस पी थ्री आइबेशन आ गया एस पी थ्री आइबेशन आ गया तो इसमें जी आई तो होगी नहीं तो अपना ये ऑप्शन कैंसिल हो गया इसमें देखें इसमें अपन बात कर सकते हैं जियोमेट्रियोमेट्रिकल आइसोमिज्म हो सकती है पर यहां पर इस वाले में क्या नहीं हो सकती आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती यहां कौन सी रहेगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म रहेगी तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसमें बात करें यहां पर अपने पास जी आई आ जाएगी एंड मिल रहा है और यहां पर अपन बात करें यहां भी अपने पास दो जी आई बनते हैं एक तो सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये से बिल्कुल सिंपल उठाकर दिया गया है ठीक है यहां बात करें तो ये दोनों जी आई रिप्रेजेंट करेंगे जबकि यहां बात करें यहां आयोनाइेशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड सिंपल क्वेश्चन था ये आप किसके बेस पर सिंपल एक एक ऑप्शन देख कर ही आसानी से क्वेश्चन को चेक कर सकते हो नेक्स्ट बात करते हैं दी स्टूडेंट्स हम अब डिस्कस करेंगे मोर देन वन करेक्ट जिसमें अपने पास सही करेक्ट के लिए फोर मार्क्स है और पार्शियल मार्किंग अपने पास है इसमें क्वेश्चंस देखते हैं लिखा है द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज आर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट द द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का पाथ डेफिनेट होता है ये पाथ डेफिनेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का बट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है अनसर्टेनिटी होती है तो डेफिनेट पाथ नहीं होता है तो स्टेटमेंट करेक्ट है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टूएसल इन एटम लोअर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देन द इनफाइनाइट इनफाइनाइट पर एनर्जी जीरो होती है और वहां जब न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोजर होगा उसकी एनर्जी उतनी नेगेटिव होगी तो यह स्टेटमेंट भी अपने पास सही बनेगा अकॉर्डिंग टू द बोहर मोटल मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई द एन इक्वल टू वन विच कॉरस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट स्टेबल बिल्कुल इज इक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यह स्टेटमेंट भी सही है फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव इतना ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल मैग्नीट्यूड एंडसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन दैल्यू ऑफ एन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टू पॉइंट इंटू जेड बाई एन एन अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी ये बात कर रहा है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया तो करेक्ट स्टेटमेंट अपने पास क्या हो गया ए बी सी जो अपन ने एक्सप्लेन भी कर रखा है सेल और ऑर्बिटल न्यूक्लियस टू क्लोजर होगी तो उसकी एनर्जी लेस होगी ये अपन ने एक्सप्लेन भी कर रखा है ओके डे स्टूडेंट्स

Give compound, तो पी अपना कीटोन बनेगा ये कीटोन बनेगा, CL2 के साथ हो हो जाएगा, जाएगा और बन जाएगा, का मतलब जाएगी फिर बन बन और इनके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं तो देखते हैं क्या बना है ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसका मैंने ये O2 और हाइड्रोलाइसिस तो यहां फिनोल बन गया और ये आपका एसीटोन बन गया

फिर स्टेटमेंट दिए हमने कि पी की रिएक्शन अगर सी एच सी एल थ्री से करवाऊंगा रिएक्शन होगी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा और ये स्टेटमेंट सही है ये स्टेटमेंट क्या है सही है ऐसा बोला बनेगा क्या फिर सी एच सी एल थ्री ओ टू के साथ रिएक्ट करेगा इन परजेंस ऑफ लाइट पोजिन बनता है टॉक्सिक नेचर का होता है

क्योंकि हमारे पास ये केनेजारो रिएक्शन नॉट पॉसिबल ये प्रोडक्ट है का और यहां पे है? नहीं है। तो हम लिख देते हैं नोट है? यहां नहीं हो होगा क्या ओएच माइनस हाईली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है ओएच माइनस डायरेक्ट अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे वापस आएगा सीसीएल को क्या कर देगा बाहर कर देगा तो साइड में बनेगा CH3 COH और CCl3 माइनस एसिड बेस इंटेक्शन हो जाएगा एच ले लेगा तो उधर तो बन जाएगा सोल्ट और इधर बन जाएगा हेलोपोम तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो गलत है क्योंकि के साथ रिएक्शन कराने पे ये प्रोडक्ट बनेगा ना कि जो हमें ऑप्शन में दिया है वो वाला प्रोडक्ट बनेगा ए सही था बी सही था ये गलत है फिर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैल्सियम सोल्ट कैल्सियम एसिडेट को हीट करें, करेंगे तो सी ए सीओ थ्री बाहर होगा और एसीटोन बनेगा पी प्रोड्यूस हो रहा है तो ये भी सही है तो आंसर शुड बी ए बी डी ठीक है तो यहां आंसर की बात करें तो आंसर ऑलरेडी बोल दिया है कि सोल्यूशन आएगा आंसर आएगा वो ए बी डी आप सोल्यूशन देख लें आंसर देख लें नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन में अपन बात करते हैं द ऑप्शन इन एटलीस्ट थ्री फॉलो ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल के लिए बात करें तो अपन बात करते हैं सी टू फॉलो करेगा सी टू एच फोर फॉलो करेगा जबकि एनओ फॉलो नहीं करता यहां पर बात करें एनओ टू फॉलो नहीं करेगा एटलीस्ट तीन करने चाहिए बेटा यहाँ एस सी एल फॉलो करे इसमें एनओ टू फॉलो नहीं करेगा एस टू एस फोर में भी देखें तो ये भी किसका बताए हाइपर वायलेंट के एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पर बात करते हैं बी सी एल थ्री हाइपो वायलेंट है एनो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है ये भी नहीं करेगा ठीक है ये भी नहीं करेगा इसमें बात करें ये शो कर देगा जबकि ये नहीं करेगा ये कर देगा और ये कर देगा तो एटलीस्ट तीन ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा अपना ए एंड डी नेक्स्ट बात करते हैं कंटेन सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नॉन नेगेटिव इंटीजर इंटीजर है जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनको हम डिस्कस करते हैं कंसिडर फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम फॉर द एक्सपांसन ऑफ द फाइव मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस यहां अपने पास मोनोएटॉमिक फाइव मोल गैस है और एक्स से लेके वाई तक इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसके लिए अपने को बताना है टोटल एंथेल्पी चेंज बताना है टोटल एंथेल्पी चेंज इसमें बताना है डी स्टूडेंट ये पहला पाथ है टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है एन सी पी डी टी तो इसमें एनथेलपी चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा सेकंड वाले पाथ में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपने पास हीट कैपेसिटी दे रखी है सेकेंड बात आइसोकोरिक प्रोसेस है और डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी डी टी डी स्टूडेंट्स यहाँ एन की वैल्यू फाइव रखनी है सी अपने पास 12 गिवन है तो 12 में सीपी सीपी माइनस सीवी वी इज एकल टू क्या होता है सीपी माइनस सीवी वी इज इक्ल टू आर यहाँ से सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 20.3 हो जाएगा और टेम्परेचर 415 फिफ्टीन माइनस थ्री और यहाँ डेल्टा एच अपने पास आ जाएगा 8120 जूल हो जाएगा तो 8120 जूल अपने पास हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन द विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन गिवन बिलो एक है और उस मैकेनिज्म के बेसिस पे अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है काइनेटिक्स का क्वेश्चन है स्लो स्टेप के लिए काइनेटिक्स अप्लाई करते हैं स्लो स्टेप के लिए काइनेटिक्स अप्लाई करें तो आर इज इक्वल टू के टू एन टू ओ टू और अपने पास लिखा है एन टू ओ टू और एच टू ये काइनेटिक्स अपने पास ये डियर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट को हम रिवर्सिबल फास्ट स्टेप से क्या कर सकते हैं इलिमिनेट कर सकते हैं तो रिवर्सिबल फास्ट स्टेप क्या कहता है के वन अपॉन के डेस वन इज इक्वल टू हो जाएगा एन टू ओ टू और अपने पास एन NO ओ का स्क्वायर हो जाएगा तो अपने पास यहाँ एन टू ओ टू की वैल्यू पुट कर देंगे N2O2 ये आ गया K1 upon K dash 1 और ये आ गया अपने पास N2NO का अपने पास हो जाएगा NO का NO का स्क्वायर NO का स्क्वायर तो अपने पास ऑर्डर क्या आ जाएगी R equal to K1 K2 K1 dash equal to क्या हो गया NO का स्क्वायर और क्या हो गया H2 कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी थर्ड ऑर्डर की अपने पास रिएक्शन हो जाएगी तो ऑर्डर क्या हो जाएगी थर्ड हो जाएगी डी स्टूडेंट्स देखेगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप से दे दिया वही इसको एलिमिनेट कर दिया इसकी जगह लिखा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई है ओके कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटेल डिहाइड एक्सेस फॉर्मेल ये रिएक्शन पहले भी आ चुकी है आपको याद होगा कि

या, ये नहीं पूछा आगे रिएक्शन को प्रोसीड किया हुआ है बट बच्चा आराम से इनिशिएट रिएक्शन को एक बार कर लेता है तो आगे रिएक्शन हो जाती है बोला फिर ये P Q P Q. पी एंड क्यू बनेगा एक्सेस है कंपाउंड पी डज नॉट गिव टोलेंस टेस्ट वेर क्यू ऑन तो देखते हैं देखो ये वाला एसिट एल डीड है एसिड एल ये वाला एसिटिल एक्सेस में लिया तो यहां पे हमने लिया है एनिओवच एक्वस एनिओवच थ्री टाइम्स एल्डोल और वन टाइम केनी हो तो तीन बार एल्डोल होगी तो ये वाला बनेगा और ठीक है और फिर केनिज पहले तो ये बनेगा सी एच थ्री सी OH ओ एच रिएक्ट करेगा जब फोरमिल से तो पहले ये बनेगा भैया सी इस पर सी जुड़ जाएगा स्पेस सी एच टू ओ जुड़ जाएगा स्पेस सी एच टू ओ जुड़ जाएगा सी ओ एच और एक्सेस में दिया हुआ तो ये फॉर्मिल डी है तो ये तो हुआ यहां तो इसके तीन मोल काम में आ चुके हैं और ये रिएक्शन हुई है एल्डोल, देन हम करवाएंगे केनिजारो, केनिजारो, तो इसका बनेगा सॉल्ट और इसका बनेगा एल्कोल सॉरी इसका इसका तो इसका तो, इह, इसका तो बनेगा सोल्ट ये तो जाएगा सोल्ट में सॉरी

तो इसका मतलब ये वाला क्यों है और ये वाला पी है फिर आगे बोला था कि अगर आपके पास ये जो कंपाउंड बना था जिसको हमने क्या बोला है इस कंपाउंड को हमने बोला है कंपाउंड ये बना है, इसकी रिएक्शन कैटेलाइटिक अमाउंट ऑफ पेराटोलुइन सल्फोनिक एसिड ये कीटेल साइक्लिक कीटेल फॉर्मेशन की रिएक्शन है की रिएक्शन एनसीआईट में दिया

फोर। दोनों का तो बारे में बात करके अगर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन देखे जाए अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो इसमें अपना आंसर कितना आएगा अपना आंसर आएगा एक कैसे उसके लिए बात करते हैं जैसे निकल के लिए बात करें निकल कितना अपना ट्वेंटी प्लस एक सीओ में बात करें नंबर टोटल के लिए बात करें एक सीओ में बात करें तो एक के अंदर कितना आएगा छ चार के अंदर चौबीस प्लस एक ऑक्सीजन में कितना आठ इसमें कितना आया बत्तीस तो इनको ऐड करेंगे किसके बराबर इनमें ऐड करेंगे तो अपने को किसमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक में मिलता है किसमें क्रोमियम वाले में अपने को मिलता है और किसी में इसके बराबर अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं तो इसके बेस पर तो अपना आंसर कितना आएगा इसके बेस पर अपना आंसर आएगा एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए बात करें अब बेटा जी जो क्वेश्चन बनाया गया है वो किस बेस पर पे बनाया गया उनके टीचर ने किस बेस पर पे क्वेश्चन बनाया था अगर वैसे अपन बात करें यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड दिए गए हैं जब भी अपन कार्बोनिल कंपाउंड के लिए बात करते हैं तो ई ए एन लेकर चलते हैं क्या लेकर चलते हैं ई ए एन रूल को फॉलो कौन करेगा इनमें इनमें बात करें निकल है निकल में थर्टी सिक्स में निकल वाले में अपने को क्या मिलेगा थर्टी सिक्स ई एन नंबर मिलेगा तो यहाँ थर्टी सिक्स देखते हैं किस किस में मिल रहा है अपने को छब्बीस और दस छत्तीस मिलेगा यहां बात करें यहां भी छत्तीस मिल रहा है और यहां बात करें यहां भी छत्तीस मिल रहा है तो अगर ई ए एन के बेस पर अगर आई आंसर देती है तो अपना आंसर कितना आएगा अपना आंसर आएगा तीन अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रही है तो अपना आंसर आएगा वन नेक्स्ट बात करते हैं ये अच्छा ही क्वेश्चन मानूंगा इसको बट इसको भी मैं डिफिकल्टी लेवल में नहीं डालूंगा

फिर ये हाइड्रोलाइसिस ऑप एस्टर ये वापस ईटी है यहां पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ये एस्टर का क्या हो गया हाइड्रोलाइसिस हो गया गया और ये वाला कौन सा एसिड है सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव सी ओ एच स्टेरिक एसिड नाम है इसका इस एसिड का नाम है स्टेरिक एसिड नोन well एसिड बनाए स्टेरिक एसिड नेक्स्ट देखो ये स्टेरिक एसिड की रिएक्शन आगे जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सेस एक्सेस में हम स्टेरिक एसिड एक्सेस में लेंगे और ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये H+ के साथ रिएक्शन होगी ये एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है तो ये OH एच ये एच ये ओ OH, एच तीन मोल इसके क्या कर रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं और फाइनली अपने पास ये वाला बन जाएगा ये जिसको हमने क्यों बोला है एक्सेस एन एच सी एस एस एल टू सपोनीफिकेशन रिएक्शन ग्लिसरॉल का ग्लिस्ट्रोल का ट्राइस्टेट एस्टर है इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो रिएक्शन है सपोनि सोप बनेगी वो ये वाली बनेगी सी डबल बोर्ड ओ ये वाली बनेगी अब हमें क्वेश्चन में क्यों का अगर वन मोल कंसिडर किया जाए क्यों का क्वांटिटेटिवली अगर वन मोल कंसिडर किया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने ग्राम में बनेगा कितने अमाउंट में बनेगा तो मुझे यहां से रिएक्शन से लग रहा है कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं ये बन रहा है दो के साथ एक कैल्सियम आ रहा है तो अगर मैं इसके कंपाउंड के अगर टू मोल अगर मैं लेता हूं अगर इसके टू मोल अगर मैं लेता हूं तो थ्री ये, तीन मोल ये वाले बनेंगे सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू 16 हो गया सिक्सटीन और सी ओ का होल्ड और ये सी ए तीन बनेंगे बट ये वन मोल लूंगा वन मोल लूंगा तो वन मोल लूंगा टू मोल के साथ तीन मोल बन रहे वन मोल के साथ कितना बनेगा वन पॉइंट फाइव मोल तो मैंने वन मोल ऑफ क्यूल्ड फाइव मोल ऑफ आर क्योंकि टू मोल दे रहे हैं थ्री मोल तो वन मोल देगा वन पॉइंट फाइव मोल वन पॉइंट फाइव मोल ऑफ आर इन टू मोलिकुलर वेट तो मोलिकुलर वेट अगर हम निकालेंगे

d4 आ गया अपने पास यहां मैंने देखा d5 आ गया अपने पास यहां मैंने देखा d6 आ गया अपने पास यहां मैंने देखा d5 आ गया अपने पास यहां मैंने देखा d6 आ गया अपने पास तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है डायमेग्नेटिक होना ये तो पॉसिबल ही नहीं डायमेग्नेटिक इन दोनों के बीच में डायमेग्नेटिक हो सकता है पर यहां पर क्या लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड होगा

स्टूडेंट्स, द कंडक्टिविटी टाइट्रेशन स्मॉल द लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ दिस अलग अलग आय की कंडक्टेंस अपने पास दी है और टाइट्रेशन का कंडक्टेंस के साथ करवाइ स्टूडेंट देखते हैं एक बार KCL अपने पास टाइटेट है और KCL में अपने पास क्या मिक्स ए जी एन थ्री को मिक्स कर रहा है तो के सी एल में AGNO3 को मिक्स कर रहा है, तो अपने पास क्या बन जाएगा AGCL बन जाएगा जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्लस क्या बन जाएगा के एन ओ थ्री बन जाएगा ऐसा हो रहा है कि के प्लस तो दोनों में सिमिलर रहा Cl- माइनस किसके थ्रू रिप्लेस हो रहा है एनओ थ्री माइनस के द्वारा देखना डियर स्टूडेंट्स Cl और NO3- की कंडक्टेंस गिवन है और किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है Cl आयन की कंडक्टेंस ज्यादा है Cl आयन की कंडक्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगी NO3- की कम है तो अपने पास इसका कर्व अपने पास क्या आ जाएगा देखना कंडक्टेंस पहले कंडक्टेंस अपने पास P में थर्ड नंबर कंडक्टेंस पहले डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि कम की ओर जा रही है फिर कंडक्टेंस क्या होने लगेगी इंक्रीज होने लगेगी ओके डियर स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन टाइट्रेटेड AgNO3 में अपने पास क्या एड कर रहा है ये AgNO3 है AgNO3 में KCl को एड कर रहा है तो क्या हो गया AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा AgCl प्रेसिपिटेट प्लस KNO3 बन जाएगा इस बार क्या हो रहा है अपने पास इस बाकी तो सेम रहा K प्लस और NO3 माइनस बना और यहाँ पे क्या था K प्लस Ag प्लस और NO3 माइनस तो किसकी कंडक्टेंस ज्यादा रही K प्लस और Ag प्लस और K प्लस में से इसकी कंडक्टेंस ज्यादा रही तो इसमें अपने पास कंडक्टेंस पहले क्या हो जाएगी स्लाइटली इंक्रीज होगी फिर क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन अपने पास लिखा है पी क्यू आर आर कोक्ट्रेट एन ए ओ एच में के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं एच के साथ हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं तो एनए बनेगा प्लस क्या बन जाएगा एच बनेगा कौन किसको रिप्लेस कर रहा है एनए प्लस आइन है वो एच प्लस आइन को पहले अपने पास एन एच था उसके बाद क्या रहा एन ए प्लस और सी एल माइनस ओ एच माइनस आइन है वो सी एल माइनस आइन को रिप्लेस कर रहा है तो पहले कंडक्टेंस क्या हो जाएगी पहले कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी उसके बाद कंडक्टेंस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट अपन एन में हम लोग क्या एड कर, कर रहे हैं एन में सी एस थ्री सीओ एच एड कर रहे हैं सी एस थ्री सीओ एच एड कर रहे हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा सी एस थ्री सीओ एन ए बन जाएगा ठीक है प्लस एच टू बन जाएगा यहां अपने पास कंडक्टेंस किसके कारण थी एन ए प्लस और ओ एच माइनस एन के कारण यहां सोल्ट बन गया तो कंडक्टेंस किसके कारण आ गई सी एस थ्री सीओ माइनस प्लस एन ए प्लस के कारण आ गई एनए प्लस के कारण आ गई तो कंडक्टेंस पहले क्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और उसके बाद में सीएस थ्री सीओ एच मिलाएंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट रहेगा और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कंडक्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके डियर स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए आपको रिजल्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं थैंक यू ये सिंपल वेस्पट पर थ्योरी पर, पर क्वेश्चन था अपन इसमें देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में बात करें इसमें बेटा जी अपने पास दो सिग्मा तीन लोन पेयर है इसमें चार सिग्मा दो लोन पेयर है इसमें तीन सिग्मा एक लोन पेयर है इसमें, इसमें पांच सिग्मा है जीरो लोन है, है, ठीक तो मिलान कर लेते हैं अबन। अबन बात करें, में, दो सिग्मा तीन लोन दो में दे अपने को। फिर बात करें दोन एफ फोर चार सिग्मा की बात कर रखी है चार सिग्मा दो लोन पेयर की बात कर रखी है दो लोन पेयर की बात एक में ही करके दो में कर रखी है यहाँ ट्राइगोनल बाई पेरामिडल दे रखा है जबकि यहां दे रखा है ऑक्टाइडल तो इसमें कौन सी मिल जाती है अपने अपने पास थर्ड आ जाएगा क्यू का थर्ड आ जाएगा दो ऑप्शन ही है अपने पास ऐसा आर का भी चेक कर लेते हैं तीन सिग्मा एक लोन पे ट्रेक्टर एडल, ट्रेक्टर एडल तीन टेटर एक लोन पे आ गया अपने पास तो इसका आ जाएगा सेकंड बिल्कुल सही है इसमें नेक्स्ट बात करें पांच सिग्मा ट्राइगोनल पिरामिडल जीरो लोन पे आएगा जीरो नो लोन पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ठीक है तो इसका आ जाएगा चार तो अपना ऑप्शन मिल रहा है बी ऑप्शन मिल रहा है ये पूरे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे बेटा ईजी पेपर था नॉर्मल काफी ईजी एडवांस के हिसाब से काफी इजी पेपर था सारा एनसीआरटी बेस्ड था पूरा का पूरा

फिर बी एच थ्री एच टू ओ टू एन एच हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जैसे मैंने बताया था क्लास में ओ OH एच वहां जहां भीड़ कम तो इस डबल मोड गया हाइड्रोलाइसिस डीप्रोटेक्शन हो जाएगा, जाएगा? तो जाएगा OH, OH हाइड्रोलाइसिस हो, हो जाएगा और वापस से यहां ये यह किस्मे क्या सी एच ओ में यहां थोड़ी सी मिस्टेक में यहां पे ये ओ एच है और यहाँ पे ये वापस किस्म क्या सी एच ओ में रिडक्शन कर देगा CHO का और CH2OH में कन्वर्ट जाएगा तो इसका जो फर्स्ट रिएक्शन का जो मिलेगा, वो मिलेगा? ये स्ट्रक्चर अपने पास कॉलम सेकंड में से पहले टूटेगा एल्डोल कंडेंसेशन से ये बनेगा फिर वापस से इसका हम एसिटेल फॉर्मेशन करेंगे कीटेल मतलब प्रोटेक्शन होगा फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एच दैट मींस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और इसके लिए रिएजेंट दिया हुआ है बी एच थ्री टी एच एफ और एन ए ओ एच तो यहां पे ओ एच जुड़ जाएगा और यहां पे ये ऑक्सीजन है सॉरी ये वाला है फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया हमने तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा ये ओ एच का कार्बोनिल में कन्वर्ट होने के बाद एन ए इसका वापस क्या कर देगा रिडक्शन कर देगा तो इससे ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी नेक्स्ट बात करें

ऐसे इसमें बात करें इथाइलिन ग्लाइकोल से पहले यहां ये यह जाएगा ठीक है इसमें मिस्टेक हुई है स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड यहां पे है भैया आर हो गया एस हो गया ये पी हो गया ये क्यू हो गया ये आर हो गया और ये वाला एस हो गया ठीक है देखते हैं एक मिनट अपन देखते हैं कि वहां कोई मिस्टेक है थोड़ी सी स्ट्रक्चर में ठीक है सेम ही है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये इथाइलिन ग्लाइकोल यहां प्रोटेक्शन करेगा एच बी ओ OH ओ वहां जहां भीड़ कम तो ये ओ एच OH यहां पर आएगा ओ एच OH वहां जहां भीड़ कम फिर हाइड्रोलाइसिस से ये टूट जाएगा इसको रिमूव कर देना आप ये यहां पे नहीं आएगा ओ OH क्योंकि ये लेस इंड्रेंस साइड पे ओ जाएगा इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया कार्बोनिल जनरेट हुआ एनीबीएच फोर से रिडक्शन हो गया तो ये ओ OH यहां पर लगेगा ये बन जाएगा इसी के डिंग कॉलम मैचिंग करेंगे तो आंसर जैसे मैंने बताया आपको आंसर शुरू में दे दिया था मैंने तो सभी ऑप्शन को चेक करने के बाद जो एप्रोप्रिएट आंसर हमें जो लग रहा है इस क्वेश्चन का वो आएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ठीक है नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है रिएक्शन की सिक्वेंस को चेक करके जैसे फर्स्ट वाले की बात करें तो ये एनसीआरटी की रिएक्शन है सल्फोनेशन किया हुआ है बेंजिन रिंग का एनिवर्स से करवाओगे तो फिनोल बनेगा फिनोल का फिनोल बनाने का लेब मेथड है और उसके बाद कंसनट्रेट एच तीन जगह नाइट्रेशन होगा और पिक्रिक एसिड बनता है तो पी में तो थर्ड आना है तो अगर मैं बात करूं तो पी में थर्ड आएगा तो पी में थर्ड अपने पास सीओ में है ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे अब ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई फर्स्ट रिएक्शन होने के बाद

फिनोल बन जाएगा और ये वाला बन जाएगा इन सब के अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन सेट करें तो ऑप्शन जो इसका इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा इसका वो आएगा सी तो सी इज करेक्ट आंसर ओके बेस्ट ऑफ लक थैंक यू